Recording in progress. प्रॉब्लम थोड़ी है। हेलो, अच्छा चल भी मेरे पास। हेलो ठीक है। राधे राधे, जय गुरु जी राधे राधे सबको। ना। कैसे
राधे मेरे को राधे तो जय ठीक गुरु जी मैम, राधे राधे जय गुरु राधे जी, राधे मेरी आवाज सुन राधे पा रहे हैं राधे साहब? राधे 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 मैडम राधे जी, राधे 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 जय राधे गुरु जी जी, मेरी मैम, आवाज सुन पा रहे हैं? यस 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 यस, जी सुन पा राधे रहे, राधे मैम प्लीज बोलिए। राधे मैडम राधे नो हियरिंग। राधे राधे मैम, राधे राधे जी सबको राधे राधे। कैसे हैं सब लोग? एकदम सब बढ़िया राधे एकदम राधे मैडम। बढ़िया, बढ़िया। 2 दिन कल हमारे बहुत कंप्लीट हो गए, आज है हम पाइथागोरस की बढ़िया मैडम ट्रिप में। तो 2 दिन की क्लासेस आपको कैसे लगी? बहुत अच्छी, अच्छे, बहुत बहुत अच्छी बढ़िया मैम, मैम, बहुत बहुत अच्छी बढ़िया, लगी है ना? बहुत बढ़िया मैम, बहुत अच्छा, बहुत बहुत बढ़िया, अच्छा, आप पावरफुल। थैंक सच्ची गुड टीचर हो। यू जी, थैंक यू। तो आज हम डे 3rd में हैं, कल डे 4 और परसों डे 5 रहेंगे। आप सबके लिए एक गुड न्यूज ये है कि राहुल सर और संदीप सर आज दोनों ही अवेलेबल नहीं है किसी कारणवश, है ना? तो स्टिल आप लोगों के लिए ये ऑफर वैलिड है। आज जो 1770 का ऑफर चल रहा था ना, वो स्टिल वैलिड है। तो आप लोग जिन्होंने पे कर दिया है मोस्ट वेलकम, जिन्होंने नहीं किया है वो कर सकते हैं। जी अलका जी बोलिए प्लीज। करती अलका जी अनम्यूट करो। अलका जी अनम्यूट करो जी, आपकी तरफ से अनम्यूट नहीं हो पा रहे हो आप। अनम्यूट करो आप। परमिंदर जी कैमरा ऑन होगा, मैं आपका क्वेश्चन का आंसर दूंगी, है ना? कैमरा ऑन करिए प्लीज। बात मैं उन्हीं से कर पाऊंगी जिनके कैमरा ऑन होंगे। अलका जी मैंने आपको 2-3 बार दे दी है रिक्वेस्ट अनम्यूट करने की, बट आप नहीं कर पा रहे हैं। जी परमिंदर जी बोलिए। जी हेलो राधे राधे जी। राधे मैम, मैम जस्ट मेरे को ये पूछना था, जो आपने ऑफर दी थी कल, वो आज अप्लीकेबल है कि नहीं, जी पॉसिबल है? जी जी पॉसिबल है, आप कर सकते हैं। ठीक है मैम, सेम कॉस्ट में ना? थैंक ओके जी, थैंक यू मैम, थैंक यू। यू मैम। राधे राधे, मैंने कर दी है ऑफर, पेमेंट कर दी है। ओके ओके थैंक यू जी। यू जी, तो आई विल बी जॉइनिंग 3 o'clock क्लास। ओके जी वेलकम। यू मैम। बाकी प्लीज म्यूट रखें, है ना? मैं जिनको नाम लूं प्लीज वही बोलें, तो ये हम सब के लिए अच्छा होगा। पारुल मल्लिक जी आप कैमरा ऑफ करके बैठे हैं जी। प्रियांशी जैन जी बोलिए, और जिनके क्वेश्चंस हो जाएं प्लीज डाउन योर हैंड्स। जय जिनेंद्र मैम। राधे राधे जी। मैम कल जैसे आपने हमें मेजर नंबर माइनर नंबर सिखाया था ना, उसमें टैलेंट, तो उसमें जैसे टैलेंट नंबर है, डेस्टिनी नंबर है, हार्ट नंबर, सब में नंबर्स अलग आ रहे हैं। और मैं आपने लगी हाँ, तो मैम जैसे फर्स्ट डे में आपने जो भी दिया था यंत्र वगैरह मंत्र, तो फिर किस हिसाब से अपन इसको कर मैम सकते आगे हैं? चलने दीजिए, अभी तो सिर्फ हम अल्फाबेट्स इकट्ठे कर रहे हैं, सेंटेंस और अच्छा पैराग्राफ हम बाद में बनाएंगे। ओके, थैंक यू। ओके जी। जी अजय सर। राधे राधे मैम, राधे राधे जी। इसके बाद आप क्या सजेस्ट करेंगे, इसके बाद क्या करना चाहिए न्यूमरोलॉजी में? ओके पहले तो आप पाइथागोरस सीखें क्योंकि ये बेसिक टू प्रोफेशनल है। नहीं तो इसको हो जाएगा, देन उसके बाद आप लोग कुछ एडवांस और कुछ कोर्स कराएंगे या कुछ नहीं, ऐसा? पाइथागोरस में इसके अलावा कुछ भी नमस्कार एडवांस नहीं राधे है। राधे, एक ओके सेकंड वेट करिए जी, मैं जिनका नाम लूं प्लीज वही बोलें। ठीक है अजय जी, ठीक पाइथागोरस में इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और मैं न्यूमरोलॉजी की मेन 3 ब्रांचेस रहती है, पाइथागोरस, वैदिक न्यूमरोलॉजी एंड चैलेडियन। तो आप ऐसा कह रहे हैं इसके बाद फिर हम अगर प्रैक्टिस करें तो फिर हम प्रेडिक्शंस वगैरह कर सकेंगे? ओके हाँ जी, और पैरेलली वो दोनों कोर्स भी आप लोग कराएंगे मैम? वो मैं नहीं करवाती। लो चैलेडियन संदीप सर पढ़ाते हैं और वैदिक न्यूमरोलॉजी आपको पढ़ाएंगी दीपा मैम। ओके, तो वो भी आप लोग शेड्यूल करेंगे? जी वो भी शेड्यूल होता रहता, चलता रहता सबके साथ। ओके थैंक यू मैम। वेलकम जी। जी रमेश जी। हाँ राधे राधे मैडम, मैडम राधे राधे जी। अल्टीमेट नंबर वन का क्या मतलब निकलता आप रिटायरमेंट नहीं लेंगे, उसके बाद भी काम करते रहेंगे। है? ठीक है, ओके ठीक है जी। यस। जय गुरु रजनी जी। जी। रजनी जी। रजनी अरोड़ा जी।
अनम्यूट करें। हाँ जी, राधे राधे मैम। राधे राधे जी। मैम मुझे ये पूछना था, कल जो आपने वो बताए थे, सॉरी बोलिए मैडम, बोलिए। सॉरी मैम, सॉरी मैम। कोई बात नहीं, अपना क्वेश्चन लिख लीजिए, फिर पूछिएगा। वीरेंद्र जी, जिनके क्वेश्चन हो जाए प्लीज डाउन योर हैंड्स। वीरेंद्र जी अनम्यूट कर करें। हेलो, जी जी राधे राधे, राधे बोलिए वीरेंद्र राधे जी। मैडम, राधे राधे मैडम। जी बोलिए बोलिए। मैम जो अपनी दूसरी निमनोलॉजी या चेल्डियम बोलते हैं जिसको, उसका भी कोर्स इसके साथ करना जरूरी होगा कि यही एक से ही मतलब आगे सर बढ़ेंगे क्या आप इस? एक से कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते अच्छा, इसके साथ ही है मतलब। इसका ना मैंने कल पेमेंट तो कर दिया था, पर उसका मुझे कोई रिवर्ट वगैरह नहीं आया कुछ किसी तरह का। हैं। एक वेबिनार्स कंप्लीट हो जाएंगे, आपके ग्रुप 9 तारीख को बन जाएंगे और आपको बता दिया जाएगा, ऐड हो अच्छा जाओ। नहीं, कोई अच्छा वो मैंने ना अपनी इशू बेटी के फोन से की थी पेमेंट उसकी। नहीं, आपने नाम लिख दिया, नंबर लिख दिया, दैट्स ओके। एक मिनट मैं म्यूट कर लेती हूँ, है ना, म्यूट कर देती हूँ सबको, क्योंकि प्रॉब्लम हो जाती है, अनम्यूट रह जाते हैं जी। ठीक है वीरेंद्र जी, आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, कोई इशू नहीं है जी। सिमरन जी, श्री राम शर्मा जी बोलिए। हाँ मैडम, अभी जो है आपका जो क्लासेस है ना, रोज अटेंड करना शायद पॉसिबल नहीं हो सकता है 2-4 दिन का, तो रिकॉर्डिंग तो मिल जाएगा ना इसका रिकॉर्डिंग अवेलेबल है यूट्यूब पे यूट्यूब में? ऐसे इसे ग्रुप में नहीं डालेंगे? सर, वो क्लासेस का रहेगा। अच्छा, ये क्लासेस का है, वही वेबिनार हाँ ये वेबिनार है ना, तो वेबिनार आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। की बात नहीं कर, रेगुलर कोर्स का बात कर रहा हूँ मैं। रेगुलर कोर्सेज का तो ग्रुप में आएगा ना, ऐप में। हाँ, क्योंकि रेगुलर अटेंड करना मुश्किल हो जाएगा शाम का टाइम पे। नहीं, कोई दिक्कत नहीं, वो तो आपको मिलेगा ऐप में, नेक्स्ट डे ही अपलोड हो जाएगी। ऐसा कितना दिन तक रहेगा ग्रुप में, कितना दिन तक रहेगा वो? वो 1 साल तक रहेगा जी। तो ठीक है, नो प्रॉब्लम, एक आध महीने में सीख सकते। अब ये मतलब ये नवंबर में खत्म हो जाएगा पूरा ये वाला लेक्चर्स? जी ओके, थैंक यू मैम। ओके जी। तो फ्लिप कर सकते हैं 7 की जगह 3, 3 की जगह हम बाद में कर सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं, आप? वो आप राहुल सर से पूछिएगा, है ना। अच्छा ठीक, ओके। ओके जी। जी अरुण जी, डॉक्टर अरुण जी, अरुण जी प्लीज बोलिए, फिर पढ़ना शुरू करते हैं हेलो मैडम, जी। बोलिए मैडम जी, अरुण। मुझे तो आज ही लिंक मिला है एक्चुअली इस चीज़ का, तो 2 दिन की क्लास तो मेरी अटेंड हुई नहीं, वो फिर यही पूछना था, आप बता रहे हो यूट्यूब मिल जाएगी? जी वो YouTube पे मिल जाएगा आपको, है ना। और ठीक बाकी जो कोर्स में जो लोग आ रहे हैं, वो ये सब कुछ हम इन डिटेल और पढ़ने वाले हैं जीरो से वापस। है। इसका एनर्जी एक्सचेंज क्या मैडम रखा है आपने? इसका स्टिल अभी तक, कल तक भी 1770 है। ठीक है, थैंक ठीक है यू। जी। गोविंद पॉल जी, जिनके क्वेश्चन हो जाएं प्लीज हैंड डाउन कर लें। हाँ नमस्कार मैम। जी जी बोलिए सर, फटाफट। मैम मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जैसे आपका पाइथागोरियन है, तो मैं बस जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैंने वो शेलेडियन वाला भी किया है, तो उसमें जैसे आप नेम करेक्शन का कल बता रहे थे, उसके नंबर्स डिफरेंट है दोनों के, जी बाकी जो भी ग्रह के नंबर हैं प्लैनेट का वो तो सेम है जी सबका। अब जैसे जैसे ऐसा करते हैं कि कोई नाम हमने शेलेडियन के हिसाब से हमने कोई नाम रखा किसी भी नंबर पे 5 या 6 में, और उसको अगर पाइथागोरियन में देखेंगे तो वो जो चेंज 5 में आ होगा, रहा था वो इसमें 8 में आएगा। कोई इशू नहीं है सर। मैं तो आपको जान के हैरत होगी कि लोग 5 पे या 6 पे लेके आते हैं, मैं अपने पाइथागोरस के हिसाब से मैं अपना नंबर 8 पे लेके आई, और ब्लेसिंग्स ऑफ गुरुजी मुझे बहुत काम मिला सर। नहीं वो तो ठीक है, नहीं मैं बस वो सब जानना कुछ चाहता आपको हूँ कि देखना होता है ये मेरे सर, ये लिए कितना आपके यूजफुल सर होगा, ये कितना यूजफुल यूजफुल होगा, है। नहीं तो कंफ्यूजन तो नहीं होगा, क्योंकि मैं नहीं सर, दोनों। मैं वैदिक न्यूमरोलॉजी, चैलेडियन और पाइथागोरस में तीनों यूज करती हूँ नहीं तो आप यूज कैसे करेंगे? मान लीजिए मेरा 5 लाना है मैम,
सर आपके बिलीव पे तो डिपेंड है, मैं जो नाम करेक्शन करती हूँ मैं पाइथागोरस के हिसाब से करती हूँ, अच्छा पाइथागोरस के हिसाब से आपके बिलीव पे डिपेंड है ना कोई भी एक सिस्टम में मतलब से हम कर सकते हैं ना जी। और कोई भी अगर एक। मैं नेम न्यूमरोलॉजी की बात करूं तो नेम न्यूमरोलॉजी आप सिर्फ न्यूमरोलॉजी के थ्रू नहीं कर सकते, आपको प्रोनोलॉजी भी आनी चाहिए। ठीक हाँ प्रोनोलॉजी भी आनी चाहिए उसके शब्दों का एक एक जो उसका है वो तो है। है ओके जी ओके थैंक यू। जी मनीष गुप्ता जी बोलिए। कौशिक सर, राधे राधे मतलब राधे राधे जी। मेरे टैलेंट नंबर 6 है, डेस्टिनी नंबर 2, दोनों मिला के अल्टीमेट नंबर आया 8। अल्टीमेट क्यों? हाँ 8 आ गया तो सर ये जी स्ट्रगल देगा रिटायरमेंट के बाद, तो अपना फाइनेंस मैनेजमेंट तैयार रखें, हेल्थ की केयर करें, वॉक वगैरह करें, बेस्ट रहेगा। जैसे टैलेंट नंबर 6 सर अभी प्रिडिक्शन नहीं कर पाऊंगी सिक्स मैं, है ना, ओके सॉरी ओके ठीक है ना जी। महाजन सर, महाजन जी अनम्यूट करें, नहीं हो रहा है। रचना जी, राधे राधे मैम, कैसे राधे राधे रचना जी, कैसे हैं? हैं आप? कैसे? बहुत बढ़िया बढ़िया। जी, हैप्पी दिवाली मैम। सेम टू यू जी। मेरा पाइथागोरस तो हो गया है, अब मैं पूछ रही थी कि हमारा टैरो का कल क्लास आप कब शुरू करने वाले, जल्दी क्योंकि जल्दी ही लाएंगे टैरो की क्लास, बहुत बहुत महीने हो गए पेमेंट जी जी करते ही जल्दी जल्दी ही उसका आएगा, क्लास पर जल्द नहीं आ रहा है जी जल्दी जी। जल्दी आएगा। मैं कल ही राहुल सर से बात करती हूँ, संदीप सर से बात करती हूँ, टैरो हाँ के जी ठीक मैम, हाँ जी, थैंक यू है। मैम, थैंक यू वेरी मच। तेजस्वनी जी, तेजस्वनी जी फास्ट अनम्यूट करें क्योंकि फिर मुझे क्लास स्टार्ट करनी है। मैम एक क्वेश्चन मेरा है, जो ऐप है आपका वो पेड ऐप है या फ्री ऐप है? देखो जो कोर्स लेगा वो लिंक उसी को मिलता है और उसी को ही कोर्स की एक्सेस उसमें मिलती है, मैम। बाकी तो और फ्री है, बाकी तो फ्री आप एक्चुअली एरर आ डाउनलोड। रहा था तो कोई अलग सोर्स से ये कर सकते हैं क्या पेमेंट, क्योंकि वो एरर आ रहा है मेरे इसमें पता नहीं क्यों। QR कोड से कर दीजिएगा, नंबर से कर लीजिएगा, वरना जो आपने जो ID नंबर है, अभी ID नंबर है उसी पे कॉल करिएगा, सूरज जी बता देंगे आपको। ओके मैम, ओके थैंक यू। ओके उदित कुमार जी, राधे राधे मैडम, जी राधे राधे जी। कल जो आपने बताए थे मैडम, वो जो डेस्टिनी नंबर निकालने के लिए वो नेम का प्लस करना है, जैसे मेरा नाम है उदित, ठीक है ना? उदित कुमार धानी, हाँ उदित इनके कुमार हर धानी। अल्फाबेट की वैल्यूज ऐड होगी वो हाँ मैडम, डेस्टिनी नंबर निकलेगा। ठीक है जी हाँ मैडम, ठीक है। ओके जी। अब क्वेश्चन आंसर सेशन थोड़ा सा स्टॉप करते हैं, इसके आगे चलते हैं हम, है ना, वरना मैडम आगे एक फिर क्वेश्चन मेरा था मैडम, बोलिए मनीष जी। मेरा अल्टीमेट नंबर 6 आया था मैडम। बढ़िया है सर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सिक्स नंबर अच्छा रिटायरमेंट के बाद का नंबर आपने बताया ना, कि रिटायरमेंट के बाद ये क्या है, इसमें अच्छा पैसा भी रहेगा जी रहेगा और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रहेगी, मैडम। पैसा और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों रहेगी। आपका माइक खराब है जी, मैं म्यूट कर रही हूँ ना, अब किसका खराब है भाई, मुझे सबको करना पड़ेगा म्यूट वापस। बस अब हम स्टार्ट करते हैं, सब लोग हैंड डाउन कर लें, क्वेश्चन आंसर सेशन हम आफ्टर स्टडी करेंगे। पेपर पेन रेडी रखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं कार्मिक नंबर। हमने देखो फर्स्ट डे क्या पढ़े थे, ट्रेड्स, नेगेटिव स्टेट्स और बीमार, डिजीज एंड प्रोफेशन, यंत्रा एंड मंत्रा, 1 to 9 नंबर। कल हमने पढ़े थे पांच मेजर नंबर और पांच माइनर नंबर। मेजर नंबर कौन कौन से हैं? टैलेंट नंबर, डेस्टिनी नंबर, हार्ट नंबर, पर्सनैलिटी नंबर एंड अल्टीमेट नंबर हमारा। माइनर नंबर है बर्थडे नंबर, नेम नंबर, हैबिट नंबर, वोवल नंबर एंड फर्स्ट अल्फाबेट नंबर। आज हम पढ़ने वाले हैं कार्मिक नंबर, जिसको हम अगर एस्ट्रोलॉजी में बात करें तो उसको कहा जाता है पितृदोष। ठीक है जी, आपने देखा होगा कि बहुत मेहनत करने के बाद भी हमें रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं, बहुत स्ट्रगल होता है, वो होता है हमारा कार्मिक नंबर।
मेन जो कार्मिक नंबर होते हैं आप राइट डाउन कर लीजिए. मेन कार्मिक नंबर होता है हमारा, फर्स्ट होता है 13, सेकंड इज 14, थर्ड वन इज 16 एंड लास्ट वन इज 19. ये हमारे चार कार्मिक नंबर होते हैं. कार्मिक नंबर का मतलब क्या है कि हमने लास्ट बर्थ में कुछ ऐसे एक्टिविटीज कर दी थी, ऐसे कर्म कर दिए थे जिसका कर्ज लेकर हम इस जन्म में आए हैं और जिसका हमें भुगतान करना पड़ता है. सब लोग प्लीज हैंड डाउन कर लें, क्योंकि अब जो मैं क्वेश्चंस करने वाली हूं आप लोगों से, जो पूछने वाली हूं, सिर्फ कार्मिक नंबर पे डिपेंड होगा. प्लीज डाउन योर हैंड्स, फास्ट हैंड डाउन कर लें सब लोग अपने अपने हैंड डाउन कर लें. राजीव कुमार जी, अमित जी, राजेश जी, महाजन सर, सब लोग हैंड डाउन कर लें प्लीज, है ना. अब मुझे प्लीज हैंड डाउन कर लें राजेश वर्मा जी, महाजन सर, इमोजी वाले हैंड डाउन कर लें प्लीज प्लीज, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आप डाउन कर लें. अब मुझे ये बताओ किसकी किसकी डेट ऑफ बर्थ में टोटल या बर्थडे नंबर 13 आता है, या हमने जो अभी 10 नंबर काउंट किए थे कल, किसके 13 नंबर बनता है. फास्ट मुझे हैंड रेज करें, फास्ट, थोड़ा सा फास्ट फास्ट करेंगे तो हम बहुत अच्छे से कवर कर पाएंगे. इतने लोगों में से सिर्फ सरस्वती जी का 13 नंबर आ रहा है बर्थडे डेट, या हम कहें जो हमने कल 10 नंबर कैलकुलेट किए थे उसमें से 3 लोगों के आए हैं, जिसमें सरस्वती जी हैं, कुसुम जी हैं, अर्जुन जी हैं, हर्षाली जी हैं. ठीक, अभी मैंने उमा जी सिर्फ बोला है 13 नंबर, 1 3 13, दैट इज 13 नंबर. अभी मैं बात कर रही हूं सिर्फ 13 नंबर की. ये लोग बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, ठीक है जी, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, नॉलेज होती है, पंक्चुअलिटी होती है, सब कुछ होता है. मैं ये नहीं कहूंगी कि इनके पास पैसा नहीं आता है, कार्मिक नंबर वालों के पास पैसा आता है, बट मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ती है इनको. अब इनको कहाँ मेहनत करनी पड़ेगी, अपनी लाइफ को एक सिस्टम में लाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी. वन नंबर इज सूर्य, थ्री नंबर इज जुपिटर, ठीक है, दैट इज अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन. आपको मान सम्मान मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, आप इंटेलिजेंट हो, पंक्चुअल हो, रिकॉग्निशन भी मिलेगी, पहचान भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, पर आपकी लाइफ को सिस्टम में लाने के लिए आपको बड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है. 1 3 सूर्य और कौन है, जुपिटर है. इसका मतलब है कि आप लास्ट बर्थ में गुरु की पदवी पे थे, जहां पे अपने नॉलेज का मिसयूज किया, और उसी के कारण नंबर 4 जो राहु है हमारी लाइफ में एक सिस्टम बनाने आता है, फाइनेंस देने आते हैं, बड़ी बड़ी चीजें देने आता है, वहीं पे हमारी सजा हो जाती है जी, वहां पे हमें मेहनत करनी पड़ती है. अजय जी बताएंगे जी, अजय जी बोलिए. मैंने मेरे बच्चों का देखा था मैम, दोनों बेटों के मेरे 13 आया है। तो स्ट्रगल लाइफ है, इसकी मैं रेमेडीज भी लिखाऊंगी. अल्टीमेट नंबर है ये मैम 13। हाँ, तो वो आफ्टर रिटायरमेंट प्रॉब्लम देगा, ठीक है जी. ओके जी म्यूट कर लें प्लीज. सरस्वती जी, मैं राधे राधे मैम, राधे राधे जी, जो बहुत बच्चा स्ट्रगल है मैम लाइफ में, बहुत, बहुत स्ट्रगल है, और अभी तक चल ही रहा है वो चल ही रहा है, और जो सेक्टर बताए उसी में चल रहा है, एकदम ठीक है जी, एकदम सच्ची बात। सही बात है. मैं सबसे बात नहीं कर पाऊंगी, मैं सिर्फ एक दो लोगों को कंफर्मेशन के लिए अनम्यूट कर रही हूं, है ना. तो अब आप लोग यहाँ पे इसकी रेमेडी लिख लीजिए, जो मैं लिखवा रही हूं. रेमेडी के बिना क्या मजा है ना. जब हमें पता चल गया कि भाई फीवर इस लेवल का है, इतना टेम्परेचर है, तो उसका मेडिसिन भी तो चाहिए. जस्ट अ मिनट, थर्टीन नंबर हम बात कर रहे हैं, 13
कार्मिक नंबर की। थर्टीन कार्मिक नंबर। वन नंबर सूर्य है, सूर्य का मंत्र है ओम सूर्याय नमः, है ना, इसका ओम घृणिम सूर्याय नमः भी है। तीसरा नंबर है हमारा जुपिटर का, तो इसका रहता है ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। आपको इन दोनों मंत्रों की एक एक माला चेंट करनी है एवरी डे, ठीक है जी। क्लियर सबको? मैं मंत्र एक बार और बोल देती हूं। 13 नंबर वालों को ओम सूर्याय नमः या ओम घृणिम सूर्याय नमः की ओम घृणिम सूर्याय नमः की या ओम सूर्याय नमः प्लस आपको मनीषा जी, मैंने 31 नंबर नहीं बोला है कार्मिक नंबर होता है, मैंने 1313 बोला है, 13 नंबर बोला है, तो आप 31 अभी ना लाएं, है ना। 31 इज नंबर नॉट कार्मिक नंबर, मैंने आपको कार्मिक नंबर चार ही बताए हैं, 13, 14, 16 और 19, ठीक है जी। तो आप इन्हीं पे फोकस करें, 31, 41 इन पे ना जाएं, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, है ना, तो वो थोड़ा सा करें। आपको इन दोनों मंत्रों की लाइफ टाइम, होल लाइफ आपको चेंट करना है, बिना छोड़े बिना भूले। फीमेल्स 7 डेज स्किप करेगी, ठीक है जी। एक चीज मुझे शेयर करनी है आपके साथ, ये पोस्टर शायद शो हो रहा होगा आपके साथ, ये हमारा पोस्टर है। 10 नवंबर से ये कोर्स स्टार्ट हो रहा है, 2 बैच है, दिन का 3 बजे का, शाम का 7 बजे का। दोनों बैच में से आप किसी भी बैच में एडमिशन एनरोल कर सकते हैं, स्टिल आपके लिए ये ऑफर है 1770 रुपीज। आप इस पे पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे 9911736555 पे, उसके नीचे अपना नाम और कौन से बैच में आपको एनरोल करना है वो भी लिख देंगे। 10 तारीख को हमारी ये क्लासेस स्टार्ट हो रही है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप फोन, ये फोन पे गूगल पे अकाउंट नंबर सब कुछ इस पे है, तो आपको ये मिल जाएगा पेमेंट लिंक, है ना, और ये QR कोड भी है। थैंक यू जी। अश्विनी जी, 13 डेट ऑफ बर्थ आ गई, बर्थडे डेट ही 13 है, तो 13 नंबर इटसेल्फ आपका कार्मिक नंबर हो गया। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी, अगर कोई चीज बहुत जल्दी नहीं लिख पा रहे हैं आप लोग, तो प्लीज स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है जी, ये स्क्रीनशॉट ले लें इसका। चलिए अब चलते हैं हम 14 नंबर पे। 13 नंबर वाले प्लीज डाउन योर हैंड्स, 14 नंबर वालों से मैं बात करूंगी, प्लीज हैंड डाउन कर लें, प्लीज सब लोग हैंड डाउन कर लें जिनका भी 13 नंबर कहीं पे भी आया है। प्लीज
प्लीज डाउन योर हैंड्स, क्या बोलूं। ये सारे 14 नंबर वाले हैं, 14 नंबर वाले हैं जिनका है हैंड रेज है, ठीक है। 14 नंबर, 1 नंबर है सूर्य का, 4 नंबर है राहु का। अब 5 नंबर तो बन रहा है इनका, पर इनको अपनी लाइफ में चेंज नहीं मिलता है, फ्रीडम नहीं मिलती है, इनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती है ना। ये जो भी चाहेंगे, जो करना चाहेंगे कि वो नहीं कर पाते हैं। बेचारे दूसरों लोग, जब दूसरे लोग इनको देखते हैं ना, तो उनको यूं लगता है कि इनकी लाइफ से बढ़िया कोई लाइफ नहीं है, और रियलिटी इन्हीं को पता होती है कि मेरी लाइफ में कितने पंगे हैं। तेजस्वनी जी, यस मैम, सही बोला आपने, बिल्कुल सही बोला। सरकार जी, अनम्यूट करें। सुमित जी, हाँ जी मैडम, मैडम एकदम ठीक बोल रहे हैं। ठीक है जी, तो दो जनों ने कन्फर्म कर दिया। एक चीज और है मैडम, मेरा सर बाद में बात करते हैं, मैडम मेरा कार्मिक नंबर पे बात करते हैं ना जी। तो ये था आपका 14 नंबर, ठीक है। कार्मिक नंबर वाले अगर बहुत मेहनत करते हैं तो डेफिनेटली उनकी लाइफ में बेस्ट चीजें होगी। अब कार्मिक नंबर है, सूर्य मंत्र तो वही एक नंबर का, ओम घृणिम सूर्याय नमः, या सूर्य ओम सूर्याय नमः। अब हम चलेंगे दूसरा मंत्र लिखेंगे। कार्मिक नंबर 14 की बात हो रही है, पहला मंत्र है ओम सूर्याय नमः। दूसरा मंत्र आएगा हमारा 4 नंबर का, राहु है, ओम भ्राम, थोड़ा सा सब लोग फास्ट लिखेंगे, भ्रीम भ्रोम, हिंदी में भी लिख देती हूँ, ओम भ्राम भ्रीम भ्रोम सह राहुवे नमः, ठीक है। ओम भ्राम भ्रीम भ्रोम सह राहुवे नमः। नहीं लिख पा रहे हैं बहुत फास्ट, तो प्लीज टेक योर टेक स्क्रीनशॉट। लिख लिया जी, चलिए गुड। आंखें खुल रही होगी ना कि नंबर इतना कैसे बोलते हैं, है ना। तो अब 14 नंबर वाले भाई बहन, है ना, हाथ नीचे कर लें, ज्यादा हाथ खड़ा रहेगा दर्द हो जाएगा, हैंड डाउन कर लें प्लीज। 14 नंबर वाले, 14 नंबर वाले प्लीज डाउन हैंड कर लें। अब कौन से नंबर वाले आ गए, 14 नंबर तो मैंने बंद कर दिया, 14 नंबर का तो काम हो गया। अब है हमारा 16 नंबर, भूमिका जी, हर्षिला जी, आपका 16 नंबर आ रहा है, रमेश जी, ओके जी, गुड 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 गुड। 16 नंबर वाले, 1 और 6 आ रहा है। अब इनकी लाइफ में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आएगा वो है इनके फाइनेंस में प्रॉब्लम एंड रिलेशनशिप में प्रॉब्लम। क्या हुआ भूमिका जी, राज खुल गए, है ना। और तीसरा प्रॉब्लम ये आता है, बेचारों को धोखा इतना मिल जाता है कि अब दुनिया में ट्रस्ट होता ही नहीं है। सही बात है मैम, राइट। मैं 2-3 लोगों को अनम्यूट करती हूँ, वो आपको कंफर्मेशन दे देंगे। रमेश जी अनम्यूट करें। यस मैडम, हमारे सभी बच्चों का 16 था मैडम। फाइव टाइम वन जी,
अनम्यूट करें जी। जी राजेश जी, क्या हुआ जी, बताइए। अनम्यूट नहीं हो पा रहे हैं आप। हर्षाली जी, हेलो, जी जी मेरा राजेश जी, हस्बैंड का नंबर है। जो राजेश जी बोलिए। नंबर लेना है, कार्मिक नंबर, ये जो डेट ऑफ बर्थ लेनी है या सारे टोटल का लेना है कुछ? सर मैंने बोला, पहले ही बोला कि बर्थडे डेट आ जाए, किसी भी मंथ की 16 पे बॉर्न हुए हो आप, टोटल डेट हाँ ऑफ बर्थ यानी कि 16 आ गया आपका, डेस्टिनी नंबर निकाल रहे जो 16 आ गया, सॉरी टैलेंट नंबर आ गया जो 16 आ गया, आपका डेस्टिनी नंबर 16 आ गया। कल हमने जो 10 नंबर कैलकुलेट किए उसमें कहीं पे भी 16 आ गया तो ये कार्मिक नंबर आपके पीछे पड़ गया है। एक जो एक चीज और बताओ, जैसे आपने ऊपर बताया था 1-4, ठीक जी है, 1-4 में आपने बताया था कि कोई अपना जो नहीं, 1-3 में आपने बताया था कि आपने ये किया इसीलिए ये प्रॉब्लम आ रही है, आपने मिस यूज की है नॉलेज, और जो आपने 14 बताया इसका रीजन नहीं बताया 1-4 का कि क्यों प्रॉब्लम आ रही है, क्या इन्होंने क्या किया पिछले जन्म सर में? ये लोग 1-4 ये राहु, तो इन्होंने इल्यूजन क्रिएट करके लोगों को ठगाया। ओके, इल्यूजन क्रिएट किया है। 16 स्पाउस के साथ या किसी अपोजिट जेंडर के साथ आपने इनका मिसयूज किया, उनको चीट किया। ओके मैडम, मान लो किसी का डेट ऑफ बर्थ 13, 14, 16, 19 को आता है, दैट इज हिज कार्मिक नंबर। तो सर मैंने और क्या बोला, मैंने यही तो बोला है, कहीं पे भी आ जाए। ठीक है राजेश जी, नहीं, और जैसे डेट ऑफ बर्थ को टोटल करेंगे सर यहाँ मैंने पर। यही तो बोला है कि भाई आपके किसी भी मंथ की ये डेट आ जाए, टोटल में आ जाए, नेम हाँ, नंबर में आ जाए, टोटल में आ जाए। नेम नंबर में मैडम, नेम नंबर में एक और क्वेरी है, सर नेम अपन नंबर क्वेरी क्या बाद में करेंगे, अभी मेरे को कार्मिक नंबर पे बात करने दीजिए, है ना। हैं जी? अभी कार्मिक नंबर पे बात कर रहे हैं, आपके कार्मिक नंबर किसी भी मंथ की 13 तारीख, किसी भी मंथ की 14 तारीख, किसी भी मंथ की 16 तारीख, किसी भी मंथ की 19 तारीख, तो आपका बर्थडे हो, जन्म हुआ है, आप इस दुनिया में अवतरित हुए हैं, वो आपका कार्मिक नंबर है। अगर आपकी टोटल डेट ऑफ बर्थ 13, 14, 16 और 19 आती है तो वो भी आपका कार्मिक नंबर है। आपका नाम अगर पूरा का पूरा 13, 14, 16 और 19 पे आ जाता है फर्स्ट डिजिट, फिर हम उसको कैलकुलेट करते हैं, तब भी दैट इज कार्मिक नंबर। जो कल हमने 10 नंबर पढ़े थे, टैलेंट नंबर, डेस्टिनी नंबर, बर्थ नंबर, हार्ट नंबर, सोल नंबर, सारे के सारे में कहीं पे भी 13, 14, 16 आ जाता है, 19 आ जाता है, दैट इज योर कार्मिक नंबर। बहुत क्लियर वर्ड्स में बोला मैंने भूमिका जी, क्लियर? क्लियर ठीक है जी। जिनको समझ में नहीं आया कल प्लीज रिकॉर्डिंग देखिएगा, है ना। मैंने एक एक वर्ड बहुत प्रेशर देके, पोज देके, क्लियरिटी के साथ बोला है ना जी। फिर 16 नंबर मैंने आपको बता दिया, 13 नंबर क्यों आया, 14 नंबर क्यों आया, 16 नंबर क्यों आया। अब आपको ये किसी के साथ अटैच होने नहीं देगा, आपको प्रॉब्लम्स आएगी, आप डिटैचमेंट की तरफ चले जाओगे, पर 7 नंबर है तो आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी लेके जाएगा। ठीक है जी। अब आपको यहाँ पे किसका मंत्र चैंट करना है, सूर्य तो है ही फर्स्ट नंबर का, 6 नंबर का मंत्र चैंट करना है, वो मैं लिखवा देती हूँ। 16 हमारा नेक्स्ट कार्मिक नंबर है 16। 1 है सूर्य का, सूर्य का मंत्र मैंने लिखवा ही दिया, ओम सूर्याय नमः। ठीक है जी। 6 नंबर है वीनस का, शुक्र का, इसका मंत्र है ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः। ओम द्राम द्रीम द्रोम
सह शुक्राय नमः। अब आपको इन दोनों मंत्रों की एक-एक माला डेली चेंट करनी है। कौन सी माला करेंगे? कोई भी माला कर सकते हैं, रुद्राक्ष की कर सकते हैं, रक्त चंदन की कर सकते हैं, तुलसी की कर सकते हैं। ठीक है जी, क्लियर? सबको क्लियर है ना जी? जी, वेरी गुड। आप अच्छे बच्चों की तरह 16 नंबर वाली हैंड डाउन कर लें। प्लीज डाउन योर हैंड्स, हैंड डाउन कर लें। प्लीज प्लीज हैंड डाउन कर लें सब लोग। अब हैंड रेज कौन करेंगे? जिनका 19 नंबर है। धर्मेंद्र जी का 19 नंबर है, ठीक है जी। रीना जी 19 नंबर वाले, कौशिक जी 19 नंबर वाले, भट्टाचार्य जी 19, ओके जी 19 नंबर। ये लोग अपनी लास्ट बर्थ में बहुत हायर पोस्ट पे होते हैं, लाइक अ किंग हो सकते हैं ये। अब किंग है तो अब इन्होंने क्या किया है? क्या किया? अपनी पावर एंड पोजीशन का मिसयूज किया। अब 19 नंबर वालों को, राधे राधे गजेंद्र जी, 19 नंबर वालों को देख लीजिए कहाँ स्ट्रगल रहता है इनके प्रोफेशन, है ना? एक बार इनको प्रोफेशन में स्ट्रगल करना पड़ता है, स्टार्टअप करने के लिए, ऊपर ग्रोथ करने के लिए। बट जब ये ग्रोथ करने लग जाते हैं, मेहनत करते हैं, तो ये बहुत आगे जाते हैं। पर डेफिनेटली इनके साथ वाले अगर 50% मेहनत करते हैं, तो इनको 150% मेहनत करनी पड़ेगी। कंफर्मेशन ले लेते हैं, फिर चलेंगे हम आगे। धर्मेंद्र जी, राधे राधे मैम, बिल्कुल सत्य आपने बोला। बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बाकी लोग छोटे से कुछ करके ही श्रेय ले जाते हैं। हम बड़ी पोजीशन पे होने के बावजूद भी हमें इतनी मेहनत करनी पड़ती है कि वही तो फिर भी श्रेय नहीं मिलता। 50% में ग्रोथ मिल जाती है, हमें 150% करनी पड़ती है। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। विश्रांत जी, थैंक यू जी। धर्मेंद्र जी, थैंक यू जी मैडम। यस ठीक है जी, बिल्कुल सही है मैडम। एक दो जनों को और अनम्यूट कर देते हैं ताकि पता चल जाए। थैंक यू जी। अभिनंदन जी, यस मैम, यू आर राइट। अभी तक स्ट्रगल चल रहा जी, अब नहीं चलेगा, है। ठीक है। ठीक है? क्योंकि अभी जो रेमेडी बताऊंगी वो करनी है। सुमित जी, सुमित मजुमदार जी, हाँ मैडम, अगर किसी का 13, 14 और 19 तीनों है तो? हाँ सर उनको तीनों की करनी है। ठीक है मैडम, मेरा तीनों ही आ रहा है। ठीक ठीक है जी, तो भैया फिर तो जय श्री राम है, प्रभु प्रभु रक्षक है। ठीक है मैडम, तीनों ही करें ना। हाँ जी, तीनों की ही करनी है क्योंकि सूर्य तो सबका कॉमन हो गया, उसके बाद जुपिटर हाँ की करनी है और वो 16 नंबर है तो उसकी करनी है। जो भी है हाँ आपके वो देखिए। 16 नहीं है, 13, 14 और 19। हाँ तो ठीक है, फिर आपको तीनों की माला करनी है, चार माला हो गई। ठीक ठीक है मैडम, थैंक है, यू। ओके गुड, थैंक यू जी सबकी कंफर्मेशन के लिए। आई होप आपको ये चीज बहुत बढ़िया लगी। जी प्रज्ञा जी बोलिए, हेलो मैम, बोलिए बोलिए, राधे राधे जी बोलिए। मैम मेरे बेटे का है मैम, 19 अप्रैल मैम, कोई दिक्कत नहीं जी। तो मैम इसकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल रहेगा क्या, जैसा आपने अभी बताया? मैडम मैंने कुछ भी नहीं बताया आपको, जो कंफर्मेशन दी है आपके साथी गणों ने दी है। मुझे थोड़ा डर सा लग रहा है इनके लिए, क्योंकि ये अभी बहुत छोटा है मैम, 10 साल का ही है। तो मैम इसको अभी तो जीने दो, 13, 14 साल का हो जाए फिर मंत्र चेंट करवाइएगा। मैं लिखवा रही हूँ मंत्र, है ना? अच्छा ठीक, यूनिवर्स के आशीर्वाद है आपको कि अभी पता चल रहा है। हम अच्छा लोगों नहीं सर, के सर ने बाद बोला है 19 डेट ऑफ बर्थ सबसे अच्छी डेट ऑफ बर्थ है। ठीक देखो मैडम, सारी डेट ऑफ बर्थ अच्छी होती है, उसका रीजन भी मैं समझा देती हूँ आपको अभी क्यों अच्छी होती है।
एक नंबर सूर्य है। सूर्य कौन है हमारी लाइफ में? हमारे पिता है। क्या हमारा पिता के जी बिना जीवन संभव है? नहीं। नहीं मैम। दो नंबर चंद्रमा, मून, मन, कैश फ्लो, इनके बिना जिंदगी संभव नहीं। नहीं तीन नंबर गुरु, नॉलेज के बिना जिंदगी चलेगी? घर के बुजुर्गों के बिना चलेगी? नहीं। चार नंबर हमारे सारे इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, गैजेट्स हैं, हमारा कम्युनिकेशन है जो आपका और मेरा जो हो रहा है अभी, तो क्या जी राहु के जी बिना चलेगी? नो मैम, पांच बिल्कुल नंबर हमारा बुध है, नॉलेज है, बहन बेटी है, सब कुछ है, जी, तो क्या उनके बिना जिंदगी चलेगी? छह नो नंबर मैम हमारा स्पाउस है, रिलेशनशिप है, वो भी जी, जरूरी। वो भी सात जरूर। नंबर हमारी स्पिरिचुअलिटी है, जो मन और दिमाग, दिल दिमाग सबको शांति देती है। जी, वो भी जरूरी है मैम। आठ नंबर, सब लोग कहते हैं बहुत स्ट्रगलिंग है, यस स्ट्रगल देता है, बट आठ नंबर हमारा प्रोफेशन का मेन कारक होता है। क्या प्रोफेशन के बिना जीवन संभव? नहीं नौ नंबर हमारा सेनापति है, नौ नंबर हमारा ब्लड है, नौ नंबर हमारा बिल्कुल ह्यूमैनिटेरियन क्वालिटीज है, नौ नंबर हमारा भाई है। जीवन में नंबर सारे चाहिए होते हैं, ओके मैम, ठीक है जी? थैंक यू मैम, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर। थैंक यू जी। तो ये थे हमारे कार्मिक नंबर, इनके मंत्र लिखवा देती हूँ मैं 19 नंबर का। नाइनटीन नंबर, ओम सूर्याय नमः, ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भूमाय नमः, ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भूमाय नमः। आपको इन दोनों मंत्रों की माला चेंट करनी है, एक-एक माला, है ना? ये हो गया आपका कार्मिक नंबर। एक बार फिर से मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ हमारा कोर्स। ये कोर्स 10 नवंबर को लॉन्च हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है 10 नवंबर से, जिसके दो बैचेस हैं, दिन के 3 बजे, शाम के 7 बजे। ऑफर स्टिल अवेलेबल है, क्योंकि संदीप सर का आशीर्वाद है सबके लिए कि आज आज और ये 1770 रख दिया जाए। जिन्होंने एनरोल कर लिया है उनके लिए मोस्ट वेलकम, और जो करना चाहते हैं प्लीज वेलकम। इसका स्क्रीनशॉट लेके आप 9911736555 पे सेंड करेंगे अपने नाम और बैच की टाइमिंग कौन सी चाहिए वो। थैंक यू जी। चलिए, ये था हमारा कार्मिक नंबर। मैडम सिक्स आईफोन जी, मैंने 16 कार्मिक नंबर बताया है, 15 कार्मिक नंबर नहीं है, कार्मिक नंबर सिर्फ चार हैं, 13, 14, 16 और 19। कोई 31 बता देता है, कोई 41 कार्मिक नंबर ला रहा है, कोई 15 कार्मिक नंबर ला रहा है, मैंने तो ये बोला ही नहीं। मैंने सिर्फ आपको कार्मिक नंबर चार बताए हैं, 13, 14, 16 और 19। इतनी बार बोल चुकी हूँ, आई होप अभी तक तो आपको रट गए होंगे कि हमारे कार्मिक नंबर चार ही होते हैं, है ना जी? अब आगे और पढ़ते हैं हम, फिर क्वेश्चन आंसर लेंगे। बालक राम जी, मैंने अभी ये मंत्र और क्या लिखवाया, ये रेमेडीज ही तो लिखवाई है कार्मिक नंबर की मैंने, है ना? कार्मिक नंबर की मैंने रेमेडीज ही लिखवाई है आपको। ओके जी, अब चलते हैं हम क्या है, देखो मैंने लिखवा दिया है।
अगर हम ऐसे ही हर चीज बार बार रिपीट करते रहेंगे तो आगे नहीं चलेंगे। मंत्रा फॉर 19 मैंने लिखवाया है, ओम सूर्याय नमः, ओम घृणिन सूर्याय नमः, और दूसरा है आपका ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भूमाय नमः। रिकॉर्डेड मिल जाएगा मोना जी, रिकॉर्डिंग अवेलेबल है संदीप सर के यूट्यूब चैनल पे। सॉरी संपदा जी, मैं बता चुकी हूँ 16 नंबर वालों ने पहले क्या किया होता है, जो इस लाइफ में इनको बैगेज लेके आना पड़ा है, जो इनके कर्ज बन के आए हैं, है ना। बाकी सब लोग हैंग डाउन कर लें प्लीज। जी अब हम चलेंगे, अब प्लीज चैट में ना डालें, प्लीज चैट में मैसेज ना करें। मैं क्वेश्चन आंसर सबके लेने की कोशिश करती हूँ, मैं यहाँ पे एजुकेशन देने आई हूँ, प्लीज एजुकेशन लीजिए। प्रिडिक्शन हम लास्ट डे हम कंसल्टेशन ही करेंगे, ओके जी। फिफ्थ डे पे हम कंसल्टेशन ही करेंगे, कल कल और पढ़ लें, परसों हम कंसल्टेशन ही करेंगे। ठीक है जी। अब आता है हमारा पिनेकल नंबर, हमारी लाइफ में पिनेकल नंबर। पिनेकल नंबर होता क्या है, पर स्टॉप कर देते हैं। पिनेकल नंबर हमारी लाइफ में हमें सपोर्ट करने आता है। पिनेकल नंबर बताता है कि आपकी लाइफ में ये वाइब्रेशन आ रही है और इस टाइम पीरियड में आपके साथ ऐसा ऐसा होगा। अब आपका वो नंबर अगर नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है तो आप उसके मंत्र चैंट करिए। अभी वेबिनार में सिर्फ मंत्रास बता रही हूँ, बाकी सारा रेमेडीज वगैरह कोर्स में रहेगा। तो आप जनरल उस मंत्र चैंट करिए और डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेंगे। पिनेकल नंबर निकलेगा कैसे, चलिए पहले हम बात करेंगे पिनेकल नंबर पे। बहुत ध्यान से सुनिएगा, अपने मोबाइल साइलेंट कर लीजिएगा, ध्यान डाइवर्ट मत करिएगा, प्लीज कंसंट्रेट करके सीखिएगा। पिनेकल नंबर पिनेकल नंबर, यहां पे मैं हैंड डाउन कर लो ना आप लोग, सब लोग। श्रीनिवास जी अनम्यूट करें, यस मैम, फोर्टीन डेट ऑफ बर्थ बोले। 1 4 सेवन 1984 19। 84 1984 ठीक है, अब मैंने इस ये आपकी डेट ऑफ बर्थ है, इसका फॉर्मूला है मंथ डेट एंड ईयर। ठीक है, तो मैंने यहां पे मंथ लिया 7 आया, आपका डेट आया 5, 1984 को ऐड करेंगे तो आई थिंक 4 ही आएगा। ठीक जी, एक सेकेंड। यस यस मैडम, है ना, यही है। अब जो यस फर्स्ट यस पिनेकल निकलता है वो निकलेगा मंथ और डेट को एड करके, तो ये क्या हुआ 12/3। एज में एग्जैक्टली कैसे काउंट होती है वो मैं बाद में सिखाऊंगी। श्रीनिवास जी, है यस ना। अब मैं आपका ये कह सकती हूं कि मोटा मोटा आपका बचपन बहुत अच्छा निकला है नहीं गए मैडम, ना। अगर प्रॉब्लम नहीं है तो वो दूसरे नंबर मुझे देखने पड़ेंगे, वो क्यों आएगा, ये बैलेंस का नंबर है। नॉलेज एजुकेशन आपको अच्छी मिली है, ठीक है।
जो सेकंड फेज आया आपका, उसने आपका स्ट्रगल बढ़ाया है, ह्यूमिनिटेरियन क्वालिटीज ज्यादा है, वो सब है। तीसरा, फिर आप तीसरा पिनेकल बन रहा है, फर्स्ट और सेकंड को हमने ऐड किया, वापस बन रहा है तीन। स्पिरिचुअलिटी में तो आपका अच्छा रहेगा। यस मैडम, फोर्थ पिनेकल आपका बनता है फर्स्ट यानी कि मंथ को और ईयर को ऐड करने से, तो आपका 7 4 11, 11/2। सर ओवरऑल बड़े इमोशनल हो, यस ठीक है जी, मैडम, करेक्ट। और उसी के कारण हो सकता है प्रॉब्लम्स आती हो आपकी लाइफ में ज्यादा, यस मैडम, ठीक है जी। या अब आपका ये निकला है, अब इसकी एज कैसे निकालनी है वो भी मैं बता रही हूं। जैसे आपने टैलेंट नंबर निकालना है इसका, 1 + 4 + 7 + 1 + 9 + 8 + 4, टोटल कितना हुआ? अगर श्रीनिवास जी आपने निकाल रखा है तो बता दो मुझे। पांच मैडम, पांच सात बारह, पांच, 12 1 13, 13 7 20, 20 2 22, 22 8 34, 34/7। सेवन, जी सर, यही तो दिक्कत आ गई, इसीलिए आपकी लाइफ स्ट्रगलिंग रही। एक क्यों रही? एक तो रीजन पता है आपको, फोर्टीन मैडम, 14, कार्मिक नंबर है यस। ना, होल लाइफ स्ट्रगल। तो इसका मैंने अभी हाँ आपको बताया, तो आपको वो रेमेडी करनी है। यस मैडम, यस। अब 13 34/7 आया है, हाँ सर मुझे ये बताओ, आपके घर में बुजुर्गों की सडन डेथ हुई है क्या? नहीं, डेथ मतलब सडन, मतलब वो गांव में हो गया ले, चाची का बेटी वैसा हो गया ले, गांव में हुए ले। हाँ गांव में हुए थे, ब्रीदिंग इश्यूज के कारण, यानी कि हार्ट अटैक, अस्थमा, ब्रेन स्ट्रोक, नहीं, एक्चुअली चाची का हार्ट अटैक ही हुआ था। हार्ट अटैक हुआ था। जी हाँ जी 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 आप कितनी भी मेहनत कर लो, उसके बाद आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। नहीं मैडम, मैं अभी प्रॉब्लम में ही है मैडम। हाँ, वो प्रॉब्लम ही है, वो आपके नंबर बता रहे हैं, इसीलिए मैंने बताया है ना, आपके यस नंबर बोल मैडम, रहे हैं कि आपके घर में ऐसा ऐसा हुआ है। ओके। आपके घर में मुझे एक चीज ये बताओ, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में टॉयलेट आ रहा है क्या, या ब्लू कलर है? मैडम इतना ये नहीं किया मैडम, तो भी वो भाई के नाम पे घर है ना, तो मैंने इन्वेस्टमेंट तो कर दिया था। वो भाई के नाम पे ही हो, भले ही आप जहां रह रहे हो, मैं उसकी बात कर रही हूं। हाँ मैडम, इतना नॉलेज नहीं है, क्योंकि मैं अब्रॉड में ही रहता ना, छुट्टी का दिन ऐसे ही, मतलब अभी 3 साल हो गया है मैडम ऑलरेडी। ओके जी पता करिएगा। ओके ओके मैडम, मैं पता कर लेगा मैडम। ओके जी, अब इसकी जो एज निकालनी है, वो हमारा जो फर्स्ट पिनेकल की एज निकलती है ना, फर्स्ट पिनेकल, पेज चेंज कर देती हूँ मैं, फर्स्ट फर्स्ट ओके पिनेकल एज वो निकलती है हमारी 36 - टैलेंट नंबर। सर का टैलेंट नंबर था 7, तो 36 - मैंने 7 ट्वेंटी कर लिया, तो कितना आया? 29। नाइन 29 तो आपको 3 की वैल्यू मिली 29 तक, 3 ओके की वाइब्रेशन थी आपके 29 की एज। जो सेकंड पिनेकल है आपका, सेकंड पिनेकल की एज वो 29 + 9, तो 29 + 9 38 38, टू आ गया। थर्ड पिनेकल आपका बनेगा 38 + 9, 9 फोर्टी सिक्स 46, ओके। तो हाँ, फिर फोर्थ पिनेकल आता है आपका 47 से होल लाइफ, ठीक है जी, 47 से होल। यस
यानी कि आपको फर्स्ट पिनेकल की कहां तक मिली, 29 तक, नाइन नंबर 29 38 तक। इसमें आपकी अभी कितनी एज हो गई श्रीनिवास जी? मेरा अभी मैडम 40 रनिंग है। हाँ ठीक है, तो अभी आपके फिर से किसमें चल रहे हो आप, थर्ड फेज में, किसमें मैडम? थर्ड पिनेकल पे, थर्ड पे। ओके थर्ड में चल रहे हो आप। यस। ये आपको एक्सटेंशन में आपकी जो 38 वाली जो एज थी उससे रिलैक्सेशन आया ओके है ना, तो इसमें आपकी सारे काम यस होने लग जाएंगे। बस जुपिटर का मंत्र चैंट करो, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सद्गुरुवे नमः। ओके ओके ओके। एक ही मैडम दोनों चार्ट करना पड़ेगा ना, 13 14? सर मैंने वो कार्मिक नंबर की मैंने नहीं बताई है, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि अभी आपके 3 नंबर की वैल्यूज आपकी लाइफ में एनहांस हो रही है, तो जुपिटर को स्ट्रॉन्ग कर लो बस ऑलराइट ये। ऑलराइट ऑलराइट। तो आपको ये निकालना आ गया होगा, मैं एक दो एग्जांपल और लूंगी ऑल राइट मैडम, थैंक यू। जी। हैंड रेज नहीं करेंगे प्लीज कोई भी, मैं बिना हैंड रेज वालों का ही लेती हूं। जिनका मैंने अभी तक नहीं लिया है, मम्मी में से किसी का लूंगी। हैंड रेज करने की नीड ही नहीं है, मैं हैंड रेज वालों का लेती ही नहीं हूं, मैंने अभी भी बोला है। विजय अरोड़ा सर, डेट ऑफ, नमस्कार जी। नमस्कार, राधे राधे जी, डेट ऑफ बर्थ बोलिए। राधे राधे जी। 26th of June 26 जून, ठीक है, 1965। 1965, ठीक है जी। हैंड रेज करने की नीड नहीं है, मैं जब बोलू हैंड रेज करने के लिए तब करो ना भाई, है ना। तो अब इसका मैंने आपको बताया था पिनेकल नंबर निकालने के लिए मंथ डेट एंड ईयर। ईयर कितना है, 1965 है, डेट क्या है, 26 है, मंथ क्या है, 6 है। तो अब मैं अगर इसको कन्वर्ट करूं तो क्या रहेगा, 6 8 10। 1965 का ऐड करने पे कितना आता है, 10 प्लस 6 16, 20 21 21। थ्री आ गया। तो फर्स्ट पिनेकल आपका, थोड़ा 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 आहिस्ता चले, फटाफट हो रहा है, कहीं सिर के ऊपर से ना निकल जाए, थोड़ा सा स्लो। सर आप रिकॉर्डिंग देखिएगा क्योंकि मैं ये हाँ बार बार वो भी बार ठीक है। बार हाँ ले ठीक है। रही हूं, इससे पहले भी मैंने यही लिया। फर्स्ट पिनेकल आपका 6 प्लस 8 14 हुआ है, सेकंड पिनेकल आपका 11 बाय 2 निकला, ये 14 बाय 5 निकला, यहाँ 11 बाय 2 निकला। यानी कि मोटा मोटा अगर मैं मानू आपका टैलेंट नंबर कितना है, आपका टैलेंट नंबर है 8 8 6 14 14 1 15, 15 5 20 4 24 23 35, 35 35 एट एट हो गया। अब मैं अगर इसमें से 36 36 में से 8 माइनस कर दूं मैं, तो 28। 28 तक की लाइफ कैसी थी सर आपकी, था, स्ट्रगल तो था ही, स्ट्रगल क्या स्ट्रगल था हमारी। स्ट्रगल था? ना क्यों था, मैंने अभी कार्मिक नंबर की थ्योरी बताई, ये कार्मिक नंबर आ गया, जी। उसके बाद रिलैक्स हुई चीजें, इमोशनल भी हुए, फिर जो आपका थर्ड पिनेकल बना 30 38 तक चला, सॉरी ये 28, ये आपने 36 कैसे लिया? आपने मतलब सबके लिए लेना 36? सबके लिए लेना है, ये फिक्स फॉर्मूला है अच्छा, ये फिक्स फॉर्मूला कॉमन है, जब भी आप जी लेंगे 36 जी एज जी के लिए। 36 माइनस टैलेंट नंबर आपको करना है। अच्छा, 36 माइनस टैलेंट नंबर, ठीक हाँ है जी। ठीक, फिर 30 ये 7 आ गया आपका थर्ड पिनेकल, 7 बना, तो 28 प्लस वापस आ गया आपका 36। 36 की एज तक फिर थोड़ा रिलैक्सेशन था, पर 36 के बाद आपका आया 44 44। 44 की एज तक धोखे खाए, प्रॉब्लम्स आई, चीटिंग भी हुई होगी, लॉसेस भी हुए, यस यस ठीक है, क्योंकि 7 नंबर आ गया।
फिर 44 के बाद, 44 प्लस 9 50, 53। सर 53 की एज के बाद 53 क्रॉस कर गए आप। जी इसके बाद आपको समाज सेवा, ह्यूमैनिटेरियन क्वालिटीज आप में बहुत आ गई है, जी जी लोगों की हेल्प कर रहे हैं, यस ठीक है। तो फर्स्ट पिनेकल मैंने कैसे निकाला, 36 माइनस टैलेंट नंबर, टैलेंट नंबर आपका क्या था, 8 था। तो फर्स्ट पिनेकल की एज कितनी आ गई आपकी, 28। सेकंड पिनेकल मैंने निकाला, ट्वेंटी सेकंड एट 28 प्लस 8 28 प्लस 9 है, 28 प्लस 9, तो ये 37 हुआ। तो 37 की एज तक आपकी चली ये वाली वैल्यूज, दो नंबर। फिर थर्ड पिनेकल निकला आपका 37 प्लस 9, तो ये आ गया आपका 46। फोर्थ पिनेकल है आपका 47 से, ठीक है जी। तो 47 के बाद की लाइफ आपका अच्छा है सर, ह्यूमैनिटेरियन क्वालिटीज है, समाज सेवा करना चाह रहे हैं, गुस्सा आता है उसको थोड़ा सा कंट्रोल रखें, हेल्थ इश्यूज भी इंक्रीज हो रहे हैं ब्लड रिलेटेड, वॉक करें, मेंटेन करें अपनी हेल्थ, ठीक है जी। अच्छा, तो बस यही इसका रेमेडी है या कुछ और भी हो सकती है इसको और बेटर करने के लिए? सर मैं अभी सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, नहीं नहीं मतलब मिलेगा, मैं ये कह रहा हूँ पता चलेगा ना, हो सकती है सर, हो सकती है रेमेडीज और हो सकती है ना जी। मतलब 47 प्लस जैसा भी रहेगा वो तो आपने अभी क्लियर किया। ठीक जी 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 है, थैंक यू। जी कनिका जी, कनिका बाबर जी, अनम्यूट करो कनिका जी। हेलो। हाँ जी 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 मैम, लिख लीजिए। 11 जनवरी। जी लिख लीजिए, लिखते हैं जी। फिर मैं आपको इसमें कुछ कुछ लिखवा देती हूँ, पिनेकल नंबर 1 होगा तो क्या होगा, 2 होगा तो क्या होगा, 3 होगा तो क्या होगा, है ना। एक लास्ट एग्जाम्पल है कनिका जी का, बोलिए कनिका जी आपकी डेट ऑफ बर्थ। 6 जनवरी 6 जनवरी 1977। 1977, ठीक है जी। तो फॉर्मूला वही है, मंथ डेट ईयर। मंथ कितना है 1, डेट है 6, ईयर का अगर हम ऐड करते हैं तो कितना आता है, 10 7 17, 17 3 20, 20 4 24, 24 का बना 6, ठीक है। तो फर्स्ट पिनेकल आपका था 7, तो मैडम आपका जी बचपन मतलब वही आ रहा है 28, लगभग ट्वेंटी हाँ एट जी। तक आपको कुछ मिला नहीं है, ठीक स्ट्रगल किया है, है। अकेलापन फील किया है, ऐसा तो नहीं, ठीक था। पढ़ाई में आपकी रुचि रही है, बट लोन अकेले रहना पसंद था, हाँ, फ्रेंड्स ज्यादा नहीं है मेरे। ज्यादा नहीं थे, ठीक है। फिर सेकंड पिनेकल आया आपका 12/3, यहाँ पे आपने आफ्टर लगभग 30 साल के बाद आपने सोशल होना सीखा, जी लोगों से इंटरेक्शन बढ़ने लगा, फैमिली लाइफ भी एक्सपैंड हुई है, ठीक है। फिर आपका जी जो थर्ड पिनेकल आया वो है आपका 1, यहाँ पे जी आपकी लाइफ में एक नया ही स्ट्रगल शुरू हुआ, ठीक है। तो मैं अगर मोटा मोटा मान लू मैं, तो 39 की एज के बाद एक स्ट्रगल आया आपकी लाइफ में, या कुछ नया नहीं, शुरुआत पहले आ क्या, गया था। हाँ, कुछ कुछ नया स्टार्ट किया। हाँ या तो स्ट्रगल आया या कुछ नया स्टार्ट किया, जी लाइफ चेंज हुई वहां पे, ठीक है। फोर्थ जो पिनेकल आ रहा है आपका, फिर से 7 नंबर आ गया, ठीक है।
अब फर्स्ट पिनेकल की आपको पता है 36 एज कैसे निकालेंगे आप, 36 माइनस टैलेंट नंबर। नंबर टैलेंट नंबर आपका कितना है, 6 1 7 8, 8 8 16, 17, 17 और 7, 17 3 20, 20 4 24, 24 और 7, 24 6 30 और 31, तो 4 आया। टैलेंट नंबर 4 है आपका, ठीक है। जी मैडम आपने लाइफ में एक बार फाइनेंशियल धोखे खाए हैं क्या? हाँ, हमेशा देने के बाद वापस नहीं आता कभी। नहीं आता जी, जी ठीक है। अब 36 माइनस मैंने 4 किया, तो आपको वो जो स्टडी करना है वो सब 7 की वैल्यूज कहाँ तक मिली, 32 की एट। फिर जो सेकंड पिनेकल निकलेगा वो हमारा 32 प्लस 9, तो कितना हो गया 41। ये 41 की एज थी आपकी यहां तक, ठीक है। जो नई शुरुआत हुई वो एग्जैक्टली हुई आपकी 41 की एज कंप्लीट होने के बाद, ठीक। नहीं, 36 के बाद। तो आपको ये गुरु गुरु आपका अच्छा सेकंड, ठीक है। एक्सपेंशन हुआ ना इसमें, एक्सपेंशन मैंने एक वर्ड बोला था, एक्सपेंशन हुई आपकी लाइफ यहाँ पे, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे थर्ड आया 41 प्लस 9 50। जी अभी 40 प्लस ही चल रहे हैं आप, हाँ जी, 46, अराउंड 47। 46। तो आपके अभी आप प्रोफेशनली स्टेब्लिश की तरफ बढ़ रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट की हाँ तरफ, जी, ये प्रोफेशन की तरफ लेके जाएगा। 50 के बाद यानी कि 51 से आपका 7 नंबर शुरू हो जाएगा, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम देगा, जॉइंट पेन दे सकता है, ध्यान रखिए, हाँ ठीक है जी। तो अब हम लिखेंगे पिनेकल नंबर एक होता है तो क्या, मैम, रेमेडी क्या होगी कुछ? मैम रेमेडीज तो अभी मैंने मंत्र सारे लिखवा दिए हैं, है ना, कल की क्लास में मैंने लिखवाए, परसों की क्लास में सारे मंत्र लिखवाए, तो जहां जिससे रिलेटेड है एक बार मंत्र करो, क्योंकि पूरा चार्ट एनालिसिस करने पे ही हम रेमेडीज बताते हैं। मंत्रों का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, यंत्रों का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, है ना। ठीक है मैम, थैंक यू। जी, पिनेकल नंबर 1 सिस्टम देता है। पिनेकल नंबर 1 की अगर मैं ना भी लिखवाऊंगा ना तो भी चलेगा, क्योंकि वो मेन जो हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, जो नंबर 1 की कैरेक्टरिस्टिक्स है वही हमें बताता है, ठीक है जी। वो मैंने आपको परसों की क्लास में लिखवाई थी, ठीक है। सिस्टमेटिक देगा, पंक्चुअलिटी बनाएगा, लीडरशिप क्वालिटी देगा, नंबर 1 की यही क्वालिटीज होती है। बट इस समय आपको कुछ नया करने के लिए भी एनकरेज करेगा नंबर 1, फादर का सपोर्ट मिलेगा, प्रोफेशनली ग्रोथ देगा, नंबर 2 पिनेकल जब भी नंबर 2 आएगा नंबर 2 आपको थोड़ा सा डिप्लोमेटिक बना देगा उस समय, नंबर 2 वाले किसी की हेल्प लेना पसंद नहीं करते हैं, पर इन्हें ले लेनी चाहिए अगर ये चीजें सिचुएशंस हैंडल नहीं कर पा रहे हैं तो। जिस समय आपका पिनेकल नंबर 2 हो उस समय अपने हॉबी को, अपने टैलेंट को डेवलप करें, अगर नंबर 2 वाले को कोई सजेशन दे रहा है तो उसे बहुत अच्छे से सुनना चाहिए। पिनेकल नंबर जब 2 है तो उस समय
अगर पिनेकल नंबर टू आपका चल रहा है तो उस समय अपने इंट्यूशन पावर पे भी वर्क करना चाहिए, वर्क करें उस पे, ट्रस्ट करें। नंबर टू, आप जिस भी फील्ड में हैं उस समय अपने आप को अपडेट करें। पिनेकल नंबर के मैंने बॉक्स बताए थे, है ना? अभी बताया ना आपको, फर्स्ट पिनेकल आपका मंथ, जिस मंथ में आपका जन्म हुआ है वो, और आपकी बर्थडे डेट को ऐड करने पे आपका फर्स्ट पिनेकल बनता है। फर्स्ट पिनेकल बन गया, सेकंड पिनेकल आपका कब बनेगा? बर्थडे डेट और ईयर को ऐड करने पे आपका सेकंड पिनेकल बन गया। फर्स्ट पिनेकल की वैल्यू और सेकंड पिनेकल की वैल्यू ऐड करने पे आपकी थर्ड पिनेकल की वैल्यू आ जाएगी। फर्स्ट आपकी बर्थ, जन्म का महीना और आपका ईयर ऐड करने पे आपका फोर्थ पिनेकल की वैल्यू आ जाएगी। इतना इजी है। अगर जिनके सर के ऊपर से जा रहा है वो कल एक बार फिर से रिकॉर्डिंग सुने। इतना स्लो पढ़ाया है, इतना धीरे धीरे पढ़ाया है, तीन तीन एग्जाम्पल फुल लिया मैंने, है ना? नंबर टू, पेशेंस रखें। नंबर तीन, जब आपके पिनेकल में आता है तो एक समय में एक ही चीज पर फोकस करें। नंबर तीन, जब पिनेकल में है तो एक समय पर एक ही चीज पर फोकस करें। अपकमिंग लाइफ की चिंता को छोड़कर नंबर तीन के समय अपनी प्रेजेंट में जी, खुश रहें। प्रेजेंट में जी, खुश रहें। नंबर फोर जब आता है आपके पिनेकल में, फोर नंबर जब आपके पिनेकल में बनेगा तो वो ये कहता है, बी डिसिप्लिन्ड, बी ऑर्गेनाइज्ड। अगर आप ऑर्गेनाइज्ड हो, डिसिप्लिन्ड हो, पंक्चुअल हो तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। देखो जी, मैं तो एक चीज जान रही हूं, जो मैं सिखा रही हूं, जो मैं पढ़ा रही हूं, मेरे साथ साथ जो नोट्स बना रहे हैं, जो समझ रहे हैं, उनके ऊपर से कुछ भी नहीं जा रहा है। धर्मेंद्र जी, सर के ऊपर से निकल रहा है क्या कुछ भी? क्योंकि मुझे एक आध लोगों ने मैसेज किया कि सर के ऊपर से जा नहीं रहा मैम, सब कुछ समझ में आ रहा है। है ना? अब जो नोट्स नहीं बना रहे, खाली बैठ के सुनेंगे तो भाई उनके तो मैं क्या ही कर सकती हूँ। नंबर चार जब आपके पिनेकल में आएगा तो वो कहता है कि बी ऑर्गेनाइज्ड एंड बी डिसिप्लिन्ड। जो काम शुरू करा है उसको कंप्लीट करो, बीच में मत छोड़ो। है ना भाई, ये मूवी चल रही है, मूवी अगर हम बीच में से देखेंगे तो हमें समझ में नहीं आएगी। और जिन्होंने डे वन से कंटिन्यू मेरे वेबिनार में है, मेरी क्लास में, उनको सब कुछ समझ में आ रहा है। नंबर फाइव जब पिनेकल में आएगा तो उस समय आपको घूमने फिरने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी और उसको ग्रास्प कीजिए और घूम के आइए। इस समय फिजिकल एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, वो करिए। इस समय फिजिकल एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, वो करिए। पिनेकल नंबर सिक्स, जब भी पिनेकल नंबर सिक्स आएगा तो वो ये कहता है कि आप अपनी फीलिंग्स समझ रहे हैं, आप क्या चाहते हैं वो भी समझ रहे हैं, तो वैसी ही फीलिंग्स दूसरे वाले, अपने सामने वाले की भी समझने की कोशिश करें। केयरिंग रहें, अंडरस्टैंडिंग रहें। अगर फर्स्ट मतलब फर्स्ट पिनेकल या सेकंड पिनेकल में नंबर सिक्स आता है तो ये शादी करवा देता है। नंबर सिक्स आने पे कहता है कि अपने रिलेशनशिप को लेकर लॉयल रहो।
हां जी, फर्स्ट पिनेकल के लिए आपको 36 में से माइनस करना है टैलेंट नंबर। 36 का लॉजिक इसलिए लिया जाता है क्योंकि हमारे पर्सनल ईयर की जो साइकिल चलती है, 9 नंबर की साइकिल चलती है ना? नाइन नाइन ईयर की साइकिल होती है हमारी, तो इसलिए 9 × 4 किया गया 36। पिनेकल नंबर 7 जब भी आएगा तो वो ये कहता है कि भाई सेटिस्फाइड रहो, ईश्वर ने जो दिया है जैसे रख रहा है उसमें खुश रहो, ज्यादा से ज्यादा समय अपने साथ बिताओ, जो आप काम कर रहे हैं उस पे सिंसियरली फोकस करो, अपने हर काम को परफेक्टली करने की कोशिश करो। नंबर 8 जब पिनेकल में आता है तो वो कहता है अपने ऊपर अपना कंट्रोल रखो, अपना रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखो, दूसरों को मत दो। प्रेजेंट में जियो, अपने कर्म करो, 4-5 साल बाद क्या होगा इसकी टेंशन ना लो, और जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसको ले लो। नंबर 8 कहता है जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है प्रोफेशनली उसको कैच करो। जब नंबर 9 आ जाता है ना पिनेकल में तो वो कहता है कि रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा इरिटेट ना हो। ये इरिटेट क्यों होते हैं? क्योंकि जब भी पिनेकल नंबर 9 आएगा, ये आपका उस समय पर्सनल ईयर भी 9 चलेगा, आप सोशल सेवा में, सोशल सर्विसेज में, लोगों की भलाई करने में, दूसरों की मदद करने में इतने इन्वॉल्व हो जाते हो कि अपने स्पाउस के साथ कोई लेना देना नहीं होता है। फिर वो जब कुछ आपसे डिमांड करता है या आपके साथ टाइम स्पेंड करने की बात करता है तो आप इरिटेट होते हो और वही प्रॉब्लम आती है। और नंबर 9 के टाइम आपको बहुत ज्यादा सेल्फिश नहीं होना है। ठीक है जी, तो ये था हमारा पिनेकल नंबर। एक बार मैं फिर आपको कोर्स का बता देती हूं। दस नवंबर से हमारा ये कोर्स स्टार्ट हो रहा है जिसका अभी भी एनर्जी एक्सचेंज कल तक 1770 ही है। दो बैच रहेंगे, दिन का 3 बजे, शाम का 7 बजे। पूरा कोर्स है जीरो से, बेसिक से लेकर प्रोफेशनल तक। इसके अलावा पाइथागोरस का कोई कोर्स नहीं है। जो कोई भी आपको पाइथागोरस ग्रिड भी नहीं पढ़ाता है वो ग्रिड भी आपको यहाँ पे पढ़ाई जाएगी। हर एक टॉपिक कवर किया जाएगा। 21 डेज की क्लासेस रहेगी ये। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, QRI कोड कर सकते हैं, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे कर सकते हैं आप, और पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट आप सेंड करेंगे 9911736555 पर। जब आप स्क्रीनशॉट सेंड करें तो उसके नीचे आप अपना नाम और बैच का टाइम जरूर लिखकर भेजें। ठीक है जी, अब मैं क्वेश्चंस ले लेती हूँ। क्वेश्चंस कृपया करके वही पूछे जो आज पढ़ा है वो समझ में नहीं आया है। ठीक है जी, और जिनके कैमरा ऑन है उन्हीं के क्वेश्चन होंगे। जी उमा जी, उमा जी चलिए अनम्यूट करो। उमा जी अनम्यूट करें प्लीज, अनम्यूट करें। उमा जी म्यूट हो गए हैं आप। हाँ हेलो, कैन यू हियर मी मैडम? जी, नहीं मैडम, मैंने पहले हैंड रेस किया था शायद, तो अभी के लिए कुछ कुछ। ओके जी, गुड, हैंड डाउन कर लें प्लीज, है ना जी। सिमरन जी बोलिए,
सिमरन जी अनम्यूट करें। हेलो जी हेलो हाँ बोलिए बोलिए, आपके पीछे से बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है सिमरन जी जी। जी मैंने ये पूछना था कि अगर कोई प्रोफेशन अपना चेंज करता है, जैसे नंबर एक वाले, उनका जी प्रोफेशन जो होगा, जैसे आपने बोला कि एक नंबर वाले डॉक्टर या दूसरे होते हैं, तो एक बार मेरे को आप बता सकते हैं कि प्रोफेशन उनका क्या होगा, एक नंबर वालों का, जिनका भी एक आता है? नहीं बता सकते, सॉरी, है ना। आज जो पढ़ा है मैंने उसी से रिलेटेड क्वेश्चन बोला है, क्योंकि और मैं मैम ये पूछना था पढ़ा कि चुकी हूँ। जो आपने 36 बोला है, वो रैंडमली सबके लिए 36 लेंगे? वो रैंडमली नहीं है, वो सबके लिए ही 36 है, वो रैंडमली नंबर नहीं उठा है ना। अच्छा, और ये 9+ करना है, सब में 9 ही करना है, जितना भी आएगा उनका टैलेंट नंबर? जी नाइन ही करना है, ठीक है जी। ठीक है, जी नागेश सर अनम्यूट करें। राधे 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 जी, कैसे हैं आप? मैम। बढ़िया मैम। मैम ऐसा कि मेरे बेटे की डेट ऑफ बर्थ है 21/8/2001, जो सेकंड फेज में जो 6 आ रहा है उसके हिसाब से उसकी मैरिज जो होगी 31 के बाद होगी या? नहीं, वो मैरिज का ऐसे नहीं निकलता। इसमें ये कहा गया है कि भाई अगर आपकी शादी नहीं हुई है और पिनेकल नंबर ये आ रहा है तो उस समय शादी कर लो, अच्छी लड़की से हो जाएगी। अच्छा, 31 के बाद करें शादी तो फिर अच्छी हो जाएगी। नहीं नहीं, अगर अभी तक नहीं हुई और 31 के होने वाले हैं तो फिर कर ले। नहीं अभी अभी तो मैम 25 का है। ठीक नहीं, फिर 31 तक ये वेट नहीं करना, हो जाएगी शादी। है मैम, धन्यवाद मैम। ओके जी। जी सोनी जी, मैम मेरे को कार्मिक नंबर 7/16 के बारे में पूछना था। 16 कार्मिक नंबर है। ओम सूर्याय नमः का जाप करो, ओम द्राम द्रीम द्रोम शय शुक्राय नमः का जाप करो। रिलेशनशिप इशू और फाइनेंस इशू देता है। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम, द्राम, मैंने, आप रिकॉर्डिंग देखिएगा, मैंने उसमें मंत्र लिखा है DRAM द्राम, DRIM द्रीम, DROM द्रोम, ठीक है जी। ओके, हैंड डाउन कर लें जिसके क्वेश्चन हो जाएं। जी 3364 खुशप्रीत जी। राधे राधे मैम। राधे राधे जी। मैम आपके अंदर बहुत पेशेंस है, बहुत अच्छे से समझाते हो सबको, और आपको क्वेश्चंस भी बार बार रिपीट सब पूछते हैं, तो आप, मैं धन्य है, आप सुन लेते हैं और बार बार समझाते हैं। तो एक बार मैं आपको थोड़ा सा परेशान करने चाहती हूँ मैम, मेरे को ना थोड़ी सी कंफ्यूजन है। जो आपने ये बताया, मैंने नोट्स बनाए हैं प्रॉपर, जो आप बता रहे हो ना मैम पिनाकल नंबर कैसे निकालते, एक बार थोड़ा सा आप बता दो मुझे थोड़ा सा। तो जैसे आज की डेट, बर्थडे डेट आज कितनी है, किस कोई भी बच्चा बर्थ लेगा तो आज कितनी है, आज 7 नवंबर 2000। हाँ जी तो हम पहले नवंबर की वैल्यू लिखेंगे। नवंबर की वैल्यू क्या है, 11/2 हो गई, 2 हो हाँ गई। जी आज डेट कितनी है, 7। तो जो फर्स्ट पिनेकल निकलेगा वो मंथ और डेट को ऐड करने पे क्या हो जाएगा, 9, क्योंकि नवंबर को ऐड करेंगे तो 2 ही आएगा, 11/2 गए। आपका नेटवर्क नहीं है चरण जी, खुशप्रीत जी, हाँ जी हाँ जी मैम, आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं। ठीक है। हाँ तो जी 11/2 आया, मंथ 2 हो गया, डेट हाँ जी 7 हो गई, तो फर्स्ट पिनेकल क्या बन गया, 2 + 7 9, नाइन ठीक है। अब जो सेकंड पिनेकल निकलेगा वो आएगा आपका डेट प्लस ईयर, 2024 को ऐड करो कितना आएगा, 8। हाँ, ओके मैम, जो दूसरा बनाना है वो 1.5+ ईयर करना है। तो 8 और 7, 15/6 आ गया। ठीक और है जो मैम, तीसरा बनेगा वो 9 और 6 को मिक्स करके वापस 6 बन जाएगा, ऐड ठीक है करके। मैम, वो ऊपर वाले दोनों आपस में जोड़ देने हैं। और जो फोर्थ वाला बनेगा वो मंथ और ईयर को ऐड करके बनेगा, ठीक वो है। मंथ और ईयर को, ठीक है मैम, ओके थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जी, पूजा जी। मैम मुझे ये पूछना, जो आपने 60 नंबर कार्मिक नंबर बताया है, उसके क्या रीजन क्या है? रीजन नहीं बताया आपने।
मैं रीजन बताया था, आपने सुना नहीं है, मैंने बहुत अच्छे से रीजन बताया था। मैंने क्या कहा कि आपने, हाँ इन्होंने दूसरे के पैसे हड़पा होगा, या इन्होंने अपने स्पाउस के साथ या अपोजिट जेंडर के साथ चीटिंग की है। तो वो तो मैम 14 का था, वो मैडम 14 का कैसे होगा ये? किसी ने आपसे पूछा था 14 का क्या है, तो उसने उस टाइम आप ये बता रहे। नहीं, मैंने 16 का बताया है, मैं 14 का क्यों बताऊंगी? ठीक है ठीक है, जी विनोद जी, जिनके क्वेश्चन हो जाए प्लीज डाउन कर लें हैंड। जी मैम, राधे 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 विनोद राधे जी। मैम। मैं एक क्वेश्चन था, एक सर ने अभी तीनों कार्लिक नंबर तीनों बताए थे, कार्मिक नंबर। चारों भी बनेंगे जब आपके पूरे पिनेकल नंबर, चैलेंज नंबर, ये सब आएंगे तो चारों के चारों भी आ जाएंगे कई चार्टों में। अच्छा, चार भी आ जाए, चार भी आ जाएगी। तो चारों के ठीक है जी मंत्र मैम, चैंट करो, बताइए। सूर्य का मंत्र कॉमन है, बाकी चार के चैंट कर लो, एक एक माला, पांच माला हो गई। ठीक है जी, ठीक ठीक है, है, संडे में मिलते हैं मैम, संडे में ओके, क्लास संडे को की मिलते है। हैं जी। हैंड डाउन कर लो विनोद जी, है ना। पूजा जी, जी मैम, ये जो आपने फर्स्ट पिनेकल एज जो बताया ना, उसमें माइनस करना, और बाकी की जो सेकंड और थर्ड है उसमें प्लस करना है ना। हाँ जी, ओके फर्स्ट मैम, वाले में 36 माइनस टैलेंट, बाकी में जो आया उसमें प्लस 9 प्लस 9 प्लस 9 करते चलो ओके मैम, थैंक यू। वेल, जी। हैंड डाउन कर लें जी। वन वन जी अनम्यूट करें, मैनी वन टाइम जी अनम्यूट करो सर, जल्दी हाँ मैडम, राधे बोलिए। राधे 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 मैडम। बोलो। मेरा डेट ऑफ बर्थ 16 अप्रैल 1980। मेरे को पिनाकल नंबर निकालना है मैडम। सर आप रिकॉर्डिंग देखेंगे फिर आपको निकालना आएगा। मैंने अभी फिर से कंफर्म किया था कि पहले मंथ लिखना है, फिर आपको बर्थडे डेट लिखनी है, फिर हाँ ईयर। पहला पिनेकल लिख लेगा आपका मंथ और डेट, मंथ एंड और डेट, मंथ और डेट, ठीक है। फिर ओके, ईयर, आपका जो सेकंड पिनेकल निकलेगा वो डेट प्लस ईयर, थर्ड पिनेकल फर्स्ट पिनेकल और सेकंड पिनेकल को ऐड करके निकलेगा। फोर्थ पिनेकल आपके नीचे जो आपने इस तरफ मंथ लिखा है, इस तरफ ईयर लिखा है, इन दोनों को ऐड करने पे फोर्थ पिनेकल आ जाएगा। ठीक है मैडम। और वो 36 जो आता है वो कॉमन नंबर है, वो कॉमन है, और 36 नाइन माइनस आपको टैलेंट नंबर माइनस करना। टैलेंट नंबर कौन सा है? टैलेंट, टोटल ऑफ योर डेट ऑफ बर्थ हाँ वो आता है, टैलेंट नंबर निकालना आता है। जी, और उसको नाइन नंबर वो भी कॉमन है। कॉमन है। ओके थैंक यू मैडम। नाइन नंबर कहाँ से निकलता मैडम, क्या आप कॉमन? ठीक हमारे साइ न्यूमरोलॉजिक में साइकिल 9 नंबर तक की होती है, 9 साल हाँ राइट, बराबर है। ओके की। थैंक यू मैडम। हैंड डाउन कर लें आनंद जी। राधे राधे मैम। राधे राधे आनंद जी। मैम ये पिनाकल जो चार निकलेंगे, चार फेज के, मतलब फर्स्ट निकलेगा, सेकंड, थर्ड, ये हमेशा क्या 36 से ही कैलकुलेट होगा? सर फर्स्ट पिनेकल सिर्फ हम एज निकाल रहे हैं 36 माइनस, और मैंने आपको उसका रीजन भी बताया है, क्योंकि हमारी एक साइकिल 9 साल की होती है, तो 4 साइकिल को इसमें ऐड किया गया है 36। अच्छा 36 में से टैलेंट नंबर माइनस करना है, उसके बाद आपको नाइन नाइन ठीक नाइन नाइन प्लस करते है, जाना। वही वही मैं आपसे यही कंफर्म करना चाहता था कि हम 36 क्यों ले रहे हैं। बस आपने बता बिल्कुल दिया, मैं फोर टाइम वो हो गया, नौचौका 36। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। जी। आयुष जी अनम्यूट करें। आयुष जी गुड इवनिंग मैम। बस राधे मुझे भी राधे। थोड़ा सा यही कंफ्यूजन था कि 36 माइनस 9 किया तो 27 आ गया, तो 27 में से फिर जो टैलेंट नंबर है फिर 36 में से 9 माइनस क्यों करेंगे हम? 36 में से टैलेंट नंबर माइनस कर रहे हैं। अच्छा टैलेंट नंबर कौन सा है? बर्थडे नाइन ऑफ नाइन नाइन बर्थ है आपकी, टोटल डेट ऑफ बर्थ, तो वो आप माइनस करोगे 9। फिर आप नहीं समझ में आ रहा। नहीं मैडम आपका टैलेंट नंबर कितना है? टेलर नंबर तो मेरा 9 है। हाँ, तो 36 में से 9 कर लोगे। मेरा टैलेंट नंबर 4 है, तो मैं 36 में से 4 करूंगी माइनस।
तो जैसे 27 आया, तो जो नेक्स्ट नंबर हमें करना है वो 36 में से फिर मतलब 27 आया। वो 27 प्लस 9 हो जाएगा, वो आपके सेकंड पिनाकल की एज आ जाएंगे। 27 प्लस 9 जितना भी आया आपकी वैल्यू, उसमें फिर 9 हो जाएगा, वो थर्ड पिनाकल की वैल्यूज आ जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद जो थर्ड में से आपको नेक्स्ट आपका फोर्थ पिनाकल की प्लस 9 नहीं करना है, फिर जो जैसे आपका 46 आ गया, तो 47 की एज से आपका फोर्थ पिनाकल की वैल्यू स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है आयुष जी जी कांता जी कांता जी फास्ट बोलिए। नमस्ते मैम। जी राधे राधे। मैम जो टैलेंट नंबर में से एक बार हमने अपना ये माइनस किया, 36 वो सिर्फ एक बार ही माइनस करना है 36 में से जो भी टैलेंट नंबर आया है। जैसे मेरा टैलेंट नंबर 4 है, तो मैं 36 में से 4 सिर्फ एक बार माइनस करने वाली हूँ। उसके बाद 3 बार प्लस 9 करना है। 9 9। ठीक है, ओके, थैंक यू। ओके जी, हर पिनेकल में क्या क्या होगा वो सारा हम डिटेल्स में कोर्स में पढ़ेंगे। जी, जिनके क्वेश्चन हो गए आयुष जी कांता जी डाउन कर लें हैंड। नहीं अनिशा जी, मैं आज कुछ नया नहीं कराऊंगी, अब कल कराऊंगी, जिसमें मुझे चैलेंज नंबर पढ़ाना है, कुछ और नई चीजें पढ़ानी है, और परसों हम कंसल्टेशन रखेंगे। जी परमिंदर जी बोलिए। जी मैम, मेरे को ये पूछना था, कोर्स कंप्लीट होने के बाद हमें स्पॉट मिलेगी इनकेस कोई प्रॉब्लम आती है तो, इसके रिगार्डिंग? सर मेरे अंकों के खेल का ये सबसे अच्छा नियम है कि कभी भी कोई भी ग्रुप क्लोज नहीं होता है। और मैम एक वन मोर थिंग, जो हमारी ऐप मिलेगी जो आप कह रहे हो जिसमें जिसमें हमारी सारी रिकॉर्डिंग्स रहेगी, क्या वो रिकॉर्डिंग हमारे 1 साल के लिए वैलिड है? फाइन, तो उसमें कोई हमारी कैलकुलेशन के लिए भी होता है कि हम अगर कोई डाटा फिल करते हैं उसकी कैलकुलेशन हो जाए, या हमें एवरी टाइम मैनुअली ही करनी पड़ेगी? मैनुअली है सर। ओके, हम कोशिश करते हैं, मैनुअल ही है सर, और मैनुअली सबसे अच्छा निकलता है। ठीक है, थैंक यू। ओके जी, क्योंकि इसमें अभी तो मैंने सिर्फ आपको ये देखिए कि मैं सिर्फ आपको यहाँ फ्रेंडशिप करवा रही हूँ, इसका फिर न्यूमरोस्कोप भी अंदर है। ओके, ये जो कोर्स है, ये जो 5 दिन की क्लास है, दोबारा से डिटेल में उसके अंदर होगी सारी? हाँ, वो वापस होगी, डिटेल में होगी जी। फाइन मैम, थैंक यू, वेलकम। हैंड डाउन कर ली जी। सान्याल सर अनम्यूट करें। सान्याल जी, राधे राधे मैडम। जी राधे राधे, बोल रहा हूँ कि हाँ मैडम, मेरा क्वेश्चन है कि आप लोग जो पीडीएफ देंगे कोर्स के बाद, 21 डेज कोर्स के बाद, तो वो क्या इंग्लिश में होगा? जी इंग्लिश में होगा। ओके मैडम, थैंक यू, ये पूछना था जी। जी शर्मा जी, देवांग शर्मा जी अनम्यूट करें। सारे इश्यूज ही क्लियर हो गए सबके क्वेश्चंस सुन सुन के। जी मैम, सेम ही क्वेश्चन है ना सबके? हाँ, सबके सुन सुन के मेरे क्लियर हो गए। मैंने मेरा पिन एकल, मेरे बेटे का, मेरे हस्बैंड का, सबका निकाल लिया। गुड 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 गुड, ओके मैम, थैंक यू, वेलकम जी। प्लीज टेल मोर अबाउट नंबर 14। मेरे को जितना वेबिनार में बताना था, जितना मैं बता सकती थी, उतना सब कुछ बता दिया। बहुत ज्यादा जानना है तो कोर्स में आइए जी। अमिता सिंह जी बोलिए। मैम मुझे इससे संबंधित नहीं, मुझे एस्ट्रोलॉजी का कोर्स कब से आ रहा है आपका? 11 नवंबर से। नहीं मैम, एस्ट्रोलॉजी का। हाँ हाँ, एस्ट्रोलॉजी का 11 नवंबर से 12:12 पे फ्री क्लासेस रहेगी लगभग 1 वीक तक। अच्छा, क्योंकि मैंने ये वाला तो ज्वाइन कर लिया, वो एस्ट्रोलॉजी वाला भी ज्वाइन करूंगी मैम आपका, इसीलिए मैं पूछ रही। ठीक है मैम, ओके, थैंक यू मैम। जी विद्या देवी जी। मैम राधे राधे। राधे राधे जी। मैम मैं ये पूछ रही थी, जो हम फर्स्ट पिनेकल निकालते हैं, सेकंड थर्ड फोर्थ निकालते हैं, तो हम इसी में ग्रह मतलब क्या देखते हैं? जैसे कि अगर मेरा पिनेकल
14 आया, तो 14/5 है, तो क्या नहीं 5 का ग्रह यानी बुध ग्रह हुआ। बुध ग्रह यहाँ खराब हो गया, आपकी लाइफ में उस समय बैलेंस नहीं है, स्ट्रगल आ गया। किससे स्ट्रगल आ गया? क्योंकि सूर्य और राहु आ गए, आपको हेल्थ इश्यू दे गया, आपके फादर से रिलेटेड प्रॉब्लम दे गया, आपके बच्चे से रिलेटेड प्रॉब्लम दे गया, आपको ब्लेम लगने लग गए, बहुत सारी चीजें होती है, वो कोर्स में बताऊंगी मैं। तुम जैसे कि अब सेकंड पिनेकल में 14-15, तो आपने ये बोला था कि वो पितृ दोष भी होता है पिनेकल में है, तो यानी ये पितृ दोष भी बनता है मैम, हाँ। तो यानी कि फिर वो पितृ दोष का भी उपाय हमें करना पड़ेगा, नहीं जो नहीं कुछ ग्रह नहीं, कुछ मंत्र नहीं जो है मंत्र करना, चैंट करने जो। मंत्र चैंट करो, मंत्र अच्छा मैम यही मुझे पूछना था, बाकी क्लास में फिर देखते हैं। चैंट करो। ओके जी, ओके थैंक यू मैम। वेलकम जी। अनम्यूट करो, अनम्यूट करो, म्यूट हो गया। मैम बहुत अच्छा करा रहे हैं आप, बहुत ही इजीली समझ पा रहे हैं हम इसको, और बहुत अच्छे से। मेरा तो लगता है कि वाकई में, मतलब मैम मेरे को ना जो वो था प्रश्न कुंडली, उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन इसमें पता नहीं क्यों एकदम जल्दी से हो जाता है ये, और वो ही नहीं हो पाता। यह समझ लो कि मेरा जो है नंबर 5 नंबर है, जो मेरा प्रॉब्लम टैलेंट नंबर 5 है, शायद उसकी वजह से थोड़ा सही समझ में अभी आता बेसिक हो। क्लासेस शुरू होगी, उसको ज्वाइन करिएगा। मैं पेड वाली नहीं कह रही, बेसिक फ्री वाली करिएगा, उसमें भी आपको बहुत कुछ एस्ट्रोलॉजी से क्लियर हो जाएगा। जी मैम, तो वो एस्ट्रोलॉजी वाली जो फ्री क्लासेस हैं वो कब होंगी मैम? अभी मैंने बताया था 11 नवंबर से। अच्छा 11 नवंबर को, तो वो फ्री क्लासेस हैं, हाँ वो 1 वीक तक फ्री है। 1 वीक तक फ्री है। चलो मैम उसे भी करते हैं, इसे भी करते हैं, फिर देखते हैं क्या बन पाते हैं हम लोग थैंक ओके, यू मैम, थैंक यू सो मच। वेलकम जी मनोज जी। मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ ही नहीं पता है तो सर टैलेंट उसका नंबर। भी मैं बता सकती हूँ, टैलेंट नंबर की नीड नहीं है, उसका भी हम निकाल सकते हैं। मेरा अगर कोई पाइथागोरस का पिछले बैच का स्टूडेंट है तो उसको पता है, तो उसकी लाइफ में अब क्या होने वाला है निकल जाता है विदाउट डेट ऑफ बर्थ भी, तो कैसे नाम से। के नाम से निकलता है? तो फिर आप वो कोर्स में सिखाएंगे फिर आप? जी यस आई ज्वाइन। वेलकम जी मनीष गुप्ता जी। राधे राधे मैडम जी। राधे राधे जी। ये पिनेकल का जो है अभी मैंने अपना बनाया, जैसे मेरी डेट ऑफ बर्थ है 26 दिसंबर 1972, तो आपने बताया मंथ डेट एंड ईयर, तो मंथ पहले आ गया, तीन 3 पहले आ गया, 8 बीच में आ गया। 8 फिर 1 आ गया। 1972 का 19 बन रहा है तो 1 आएगा ना, 1 प्लस 9 10, एक नंबर आएगा ना मैडम। 1972 जोड़िए ना, 1 प्लस 9 10 हो गया, 10 प्लस 7 टेन प्लस सेवेंटी नाइन सेवन सेवेंटी 19 1 17 प्लस 2 19 आ गया। तो1 आ गया ना, तो अब आपका फर्स्ट जो इसमें पिनेकल बना वो आपका 3 प्लस 8 11, 11/2 बन गया। हाँ जी हाँ जी। सेकंड 9 नंबर बना, निकला सर मजे से। और थर्ड भी 11/2 बन रहा है, और फोर्थ जो है वो 4 नंबर आएगा ना मैडम। चार आएगा, 3 रिक 4 आएगा। अब इसमें मैं एक चीज पूछ रहा हूँ, फर्स्ट पिनाकल में जैसे आपने बताया 36 माइनस टैलेंट नंबर, मेरा टैलेंट नंबर 3 निकला था, तो ये 33 हो गया, तो 3 प्लस 3 6 आ गया ना फिर तो। अच्छा 3 प्लस 3 6 क्यों आएगा? थर्टी टैलेंट थ्री नंबर रहेगा कितना? टैलेंट नंबर, ये नहीं, सॉरी पिनाकल पिनाकल नंबर, फर्स्ट आपका पिनाकल 4 आ गया, टैलेंट नंबर कितना आपका? 3। थ्री, हाँ 3 है जी। तो 36 माइनस 33 यानी कि दो फर्स्ट पिनेकल की वैल्यू आपको 33 इयर्स तक मिली ठीक है जी। अभी मैं एक चीज और पूछ रहा हूँ लास्ट आपसे, फोर्थ पिनाकल में मेरा अभी मतलब थर्ड में 51 आ रहा है, तो फोर्थ 52 के से शुरू होगा ना, है। जी। तो इसके अंदर क्या चीज रहती है जैसे? सर वो अपन कोर्स में करेंगे ना सर, अभी इतना डिटेल अच्छा पर्सनली नहीं जा पाएंगे, है ना। अच्छा ठीक, सबके क्वेश्चन है, और फिर सर फिर पर्सनली मेरे लिए सब समान है ना। बस एक एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ लास्ट, जैसे ये जो पिनाकल की वो निकली है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो जो आपने लिखवाए हैं ये 9 तक, ये सारी इसके अंदर मतलब वो आती हैं? नहीं सर, सारे आते हैं, अभी तो बहुत कुछ बाकी है इसमें। मैं ओके वन नंबर फर्स्ट पिनेकल में आएगा तो क्या होगा, 1 नंबर सेकंड पिनेकल में आएगा तो क्या होगा, 1 नंबर थर्ड पिनेकल में आएगा तो क्या होगा, वो भी दिखाऊंगे ओके ओके कोर्स ओके में, ठीक है है जी, ना। धन्यवाद, बहुत बहुत सुना, राधे ओके राधे। जी।
जी रितु जी, राधे राधे मैम। पहले राधे राधे जी। तो मैम आपकी बहुत तारीफ करनी पड़ेगी, बहुत अच्छे ढंग से पढ़ा रहे हो आप, इतनी पेशेंसली सबको सुनते हो और थोड़ा सा गुस्सा करते हो फिर भी जवाब दे देते हो आप बहुत नहीं गुस्सा पेशेंस आप में वो मतलब गुस्सा नहीं, क्योंकि जो चीज वो रिपीट होते हैं ना क्वेश्चन तो बंदा इरिटेट हो कोई जाता। चीज बता चुकी हूँ हाँ करके जी बिल्कुल सुन लो ना, तो उसके जरूरत ही नहीं पड़ती। मैम, जी मेरा ये क्वेश्चन है, जैसे मेरी बेटी का आपने कार्मिक नंबर बोला था, तो बेटी का मेरा टैलेंट नंबर 13 निकलता है, 13/4, तो जैसे उसका भी कार्मिक नंबर ही माना जाएगा फिर ये, जी, कार्मिक नंबर ही है जी। तो उसको फिर 4 फोर राहु से, के मंत्र फोर करने से पड़ेंगे। माइनस फोर से ही करेंगे, 36 माइनस 4 ही रहेगा। अच्छा मतलब वो कार्मिक नंबर ही हो गया ना, 13 का 4 बना। मैडम 13 कार्मिक नंबर हो गया है, कार्मिक नंबर की हाँ रेमेडी जी करनी है, पर जो टैलेंट नंबर जो माइनस होगा वो 4 ही होगा, 13 नहीं होगा। ओके ओके। नहीं मैं पूछ रही थी उसको जाप जो करना है वो राहु के ही करे ना फिर। नहीं, आपको कार्मिक नंबर के करने, कार्मिक नंबर के दो मंत्र है ना, सूर्य का और आपको करना सूर्य पड़ेगा, का और राहु का, गुरु सॉरी का गुरु का, राहु। गुरु हाँ का। जी यही मैं थोड़ा करना चाहती थी, कोऑर्डिनेट के मतलब किसका करे वो, जी ये दोनों करना। 1-3 का करे। ठीक जी है मैम ओके, बहुत थैंक बहुत धन्यवाद। यू जी। जी पंकजा जी, हेलो मैडम पंकज जी, बोलिए 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 प्लीज। माय नेम लाइक पंकजा HK, सो इनिशियल्स हैव टू बी एडेड व्हेन वी आर कैलकुलेटिंग, जी इनिशियल्स आल्सो टू बी टेकन इनटू अकाउंट, जी एंड ओ पिनाकल नंबर ओ ऑलवेज फ्रॉम 36 वी हैव टू माइनस जी जी टैलेंट मैम, नंबर, जी जी सो जी जी टैलेंट नंबर इज कमिंग, माइन इज 16/12/1965, सो मंथ इज कमिंग टू 3/12/3, देन डेट इज 16/7 एंड ईयर इज 1965/3 आ रहा है, तो जी टैलेंट नंबर इज कमिंग टू 13, सो 1+3 इज 44, सो 13 इज अगेन कार्मिक नंबर,13 भी कार्मिक नंबर, 14 भी कार्मिक नंबर। एंड इवन माई डेट ऑल्सो लाइक 16 इज ऑल्सो कार्मिक नंबर ओनली। मैम तीनों कार्मिक नंबर के चेंट करिए मंत्र। नहीं वही मैडम, दैट फर्स्ट दैट 36 माइनस 4 इज 32 एंड आफ्टर दैट 32+9 41, देन 41+9 51, इज इट लाइक दैट जी मैम ये सही लाइक आए। ओके जी, आई से। हाँ थैंक यू। गुड, ओके जी। हैंड डाउन कर लें जिनके हो गए हैं। थैंक यू प्रियंका, प्रिया जी। जी शास्त्री सर अनम्यूट करें, अनम्यूट करें शास्त्री सर। अब मेरे से कह रही है ओके। आपका मैंने सब सुन रहा था, ये सब चीजें जो आप बता रहे थे, 36 इज बाय डिफॉल्ट जी एंड नंबर 9 इज आल्सो बाय डिफॉल्ट जी ओके। अभी इनको आपकी बात सुन रहा था मैं, पर इनके समझ नहीं आ रही थी, दिस 36 एंड 9 बोथ आर बाय डिफॉल्ट, लेकिन जी एक प्रॉब्लम यहाँ पे करेक्शन आपको बतानी पड़ेगी कि जब आप फोर्थ पिनाकल में पहुंचते हैं तो आपने 6/1/1977 के अंदर में +7 किया है, एक सर, आपने मैंने कुछ भी नहीं किया है, जो आप तो गलत से। जी व्हाट आई एम सेइंग, मैं आपसे बात कर रहा हूं कि जब हम हर चीज को बाई डिफॉल्ट +9+9+9 कर रहे हैं तो फोर्थ पिनेकल पे पहुंचने में नंबर 7 कैसे आपने कर दिया। सर, मैंने नंबर 7 नहीं किया। मान लो कि मेरा 46 पे मेरा थर्ड कंप्लीट हो रहा है, थर्ड पे अच्छा इवन द फोर्थ पिनेकल वी हैव टू डू एट 9 नहीं बाई करना, डिफॉल्ट। आपको फोर्थ पिनेकल ऐड ही नहीं करना है, हमें थर्ड थर्ड पिनेकल तक ही ऐड करना अच्छा तो है ना। जैसे हाँ मान लो कि मेरा 46 पे मेरा थर्ड पिनेकल एंड हो गया, तो हाँ 37 से मेरा ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट ही मेरा फोर्थ पिनेकल स्टार्ट हो गया, वो मेरा हाँ होल लाइफ चलेगा जीवन। होल लाइफ चलेगा ओके ठीक है। अच्छा अब ऐसा था कि मैं आपको थोड़ा, आई एम जस्ट गिविंग यू माई पर्सनल एक्सपीरियंस, कि जैसे 13, 14, 16 एंड 19 है,
19, नाइनटीन, हाँ चार नंबर है तो, हाँ 13, 14, 16 एंड 19। हाँ इसमें मेरा एक नंबर है इसके अंदर में मेरा, तो मेरे से मजाक करते थे बचपन से, बात करते थे, और मैं हम पंजाबी है ना बोलते थे, हम कहते थे और यार पीछे जन्म देना होगा, दिन दे रहा आगे कोई गल नहीं फर्क नहीं पड़ता, तो बिकॉज द कॉम्बिनेशन 1 + 6 इज 7, डिसीविंग इज देयर, दे विल जी डू इट एंड इट इज रिपीटेड 7 3 times इन माई होरोस्कोप इटसेल्फ, इन माई लो शुभ इटसेल्फ, so that is by default is bound to go, the money which has gone is gone, it will never come back, so there is जी no chance and to waste time on all these things, नो this is what I wanted to know, 1/6 is by default that we have to pay जी and we have to bear the problems जी running सर, short. इसीलिए मैंने वो मंत्रा भी साथ के साथ लिखा है कि कोई अगर कोर्स ज्वाइन भी नहीं कर रहा है तो एटलीस्ट उसकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंज आ सके। हाँ, ठीक है, और आई नाउ आई अंडरस्टैंड कि वेयर द प्रॉब्लम इज, ये जी हमको सर, उनसे नहीं इसीलिए पता मैं रहा था बट बोलती आई हूँ, कुड फाइंड आउट, जी इसीलिए हाँ मैं बोलती हूँ सर कि एनीवे, चैलेडियन, पाइथो और वैदिक तीनों आनी चाहिए, आपको पता चलता है। अब हाँ ये जी बात ठीक है, आपने बिल्कुल सही बोला, मेरे को इन्होंने भी बजाज सर ने भी बोला था, सर ने भी कहा था कि यू मस्ट डू कैलेडियन, कैलेडियन तो किया है, नाउ गो इन फॉर दिस, और जी मेरे एक और भी गुरु हैं वास्तु नरेश सिंह, तो उन्होंने भी मेरे को सजेस्ट किया था यू गो इन फॉर वैदिक एंड ऑल दिस, यू मस्ट डू इट, जी ही सर, ऑल्सो टोल्ड मी द सेम थिंग, बोथ आर नोन टू मी, नथिंग टू वरी, यस सर, सी टू यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू जी। जी मोनी जी, अनम्यूट करें। हाय मैम। राधे राधे जी। मैम यस मैम, ये जो हमने पिनेकल्स निकाले हैं, मतलब जो फर्स्ट पिनेकल स्टार्ट होगा 36 - 4 किसी का भी, आप तो जब बोर्न होते हो तब से लेकर जो 36 माइनस टैलेंट नंबर है, जैसे मैं जब बोर्न हुई तब से लेके 32 की एज तक मेरे चला फर्स्ट पिनेकल। ओके मतलब कि 36 से -4 करके जो 32 आया वो मेरा फर्स्ट पिनेकल था, हाँ जिसकी एज हो चुकी वो तो बीत चुका है। जी फिर सेकंड देन थर्ड, सर, मैम जैसे मेरा 32 आया, 32 में मैंने 9 कर दिया, तो मेरा 32 के बाद जो 9 आया मेरा कितना आ गया, 41, तो मेरा सेकंड पिनेकल चलेगा 41 तक। ठीक है, हाँ मेरा थर्ड पिनेकल चलेगा 50 की एज तक, और मेरा और फोर्थ उसके 40। आगे एज होगी, मैं जब तक रहूंगी तब तक वो 4 चलता रहेगा, राइट राइट ना मैम, इसका इसका करना क्या है आगे बता, ये तो इसका निकल ठीक ये है, भी मैंने बताया ना, इसका क्या करना है, सब कुछ कोर्स में होगा। यहाँ तो मैं सिर्फ आपको बता रही हूं कि ये चीजें हैं, इंट्रोडक्शन, फ्रेंडली इंट्रोडक्शन, ताकि आपको इंसर्ट हो जाए चीजें आपके माइंड में। अच्छा मैम एक बात और है कि जो ये है न्यूमरोलॉजी जो हम अभी हम लोग सीख रहे हैं, पाइथागोरियन और प्लस एक चैलेडियन है दूसरी, तो इन दोनों में तो कुछ कुछ डिफरेंसेस हैं, अगर एक आदमी इन दोनों को करेगा तो क्या दोनों कैलकुलेशन एक ही जगह पहुंचेंगी, तो वो तो फिर एक तरह से विपरीत चीजें आ जाएंगी। नहीं, विपरीत नहीं आती, आपको क्लब करना आना चाहिए। आपको पता है मैं जब भी कंसल्ट करती हूँ या मेरे पास किसी की भी डेट ऑफ बर्थ आती है, मैं उसे अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी, अकॉर्डिंग टू मैं हैंड हाथ भी लेती हूँ, पता है, क्योंकि मैं पामिस्ट भी हूँ, तो मैं हाथ न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी में भी मैं सारी चीजें लगा के देखती हूँ, क्योंकि मेरा ये देखो जो हमारे पास कंसल्टेशन लेने आ रहा है ना, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि आप न्यूमरोलॉजी कर रहे हो, आप एस्ट्रोलॉजी कर रहे हो, आप लाल किताब कर रहे हो, आप केपी कर रहे हो, आप बीएनएन कर रहे हो या वैदिक कर रहे हो, या आप पामिस्ट हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको क्या फर्क पड़ रहा है, सॉल्यूशन चाहिए उसको तो मैम, और सॉल्यूशन कैसे आएंगे, कैलकुलेशंस से, कैलकुलेशन से। आप पता है कि आप न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग भी आप देख सकते हो कि उसके घर में कौन सी डायरेक्शन में अफ्लिक्शन है ना। चीज पे कोई डाउट नहीं है, पर मैं मेरी एज ए क्लब क्यूरियोसिटी, देखो, क्लब करना आना चाहिए। आपने 10th तक सारे सब्जेक्ट पढ़े,
तो क्या कंफ्यूज हुए किसी सब्जेक्ट में? नहीं, आपकी बात सही है, वो तो मैं समझ रही हूँ। और एक और बात बताइए मैम, आपका कंसल्टेशन चार्जेस क्या है? सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। आप इसके लिए पर्सनल मैसेज करिएगा या राहुल हमारी टीम से कनेक्ट करिए, वो बता देंगे। ठीक ओके मैम, ठीक है, है जी, ठीक है मैम, थैंक यू। वेलकम जी। जी ज्योति जी की तो पिक्चर कैमरा ऑफ है जी। जिनके क्वेश्चन हो जाएं प्लीज हैंड डाउन कर लें, ताकि मेरे सामने दूसरे लोग आते हैं, मुझे पता चले कि किसका है। जी रश्मि जी बोलिए। मोनी जी हैंड डाउन कर लें आप अपना। राधे राधे मैम। राधे राधे जी। मैम यदि फर्स्ट नेम में यदि कार्मिक नंबर आ रहा है तो क्या सही रहे वो? मैडम कार्मिक नंबर तो कार्मिक नंबर है, कार्मिक नंबर कब सही हो गया? उसकी रेमेडीज मैंने बता दी। नेम को चेंज कर सकते हैं, हाँ फर्स्ट नेम नेम। चेंज कर सकते हैं ना जी। जी थैंक यू मैम। थैंक यू जी। जी मीतल जी, राधे 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 राधे। राधे राधे। जस्ट अ क्विक क्वेश्चन। व्हेन वी आर कैलकुलेटिंग टैलेंट, होता है डेस्टिनी, सोल नंबर, जो भी है, बहुत सारे लोग होते हैं जैसे कि गीता शर्मा, लेकिन उसके पासपोर्ट देखते हैं तो गीता मनोज शर्मा, मनोज शायद उसके पापा का नाम हो, हस्बैंड का नाम, तो वो कैलकुलेट करने में पूरा नाम लेते हैं या सिर्फ फर्स्ट और लास्ट? नहीं, हम जो यूज कर रहे हैं है ना, मेरे जैसे डॉक्यूमेंट्स में है अनामिका रतलिया, यस ठीक है। अब मैंने जी मेरा नाम चेंज कर लिया था, अनामिका एन रतलिया, मेरे आधार कार्ड पे अनामिका रतलिया है, मेरा सब जगह अनामिका जी रतलिया है, बट मुझे माइग्रेशन कहाँ की मिल रही है? अनामिका एन रतलिया, क्योंकि मेरे व्हाट्सएप हाँ अनामिका एन रतलिया, मेरे सर्टिफिकेट्स पे अनामिका एन रतलिया, मेरे को लोग इसी नाम से जानते हैं, तो मुझे हाँ कहाँ पहले मिली? यस। सो वही नाम यूज करना है जो यू आर पब्लिकली नोन बाय, जी जहाँ सभी जगह यूज किया है। हाँ जी ओके थैंक यू। जी वेलकम। जी कल्पेश जी अनम्यूट करें, कल्पेश जैन जी, हेलो। कल्पेश जी। हाँ जी हाँ जी बोलिए। नमस्ते। राधे राधे। राधे राधे जी। हाँ जी, कल भी मैं क्लास आया था, थोड़ा लेट हो गया था, आज भी कुछ काम से बिजी हो गए थे ऑफिस से, तो स्टार्टिंग का मिस कर गया हूँ मैं थोड़ा। फिर भी मैंने नोट तो किया है पिनाकल का, जैसे बताया आपने, मेरा डेट है 6/1/1985। जी हाँ, तो मुझे वो जो थर्ड वाला जो पिनाकल नंबर, उसमें थोड़ा डाउट है। जैसे फर्स्ट 1+2 होता है। आपको देखो फर्स्ट पिनेकल आपका आएगा बट मंथ प्लस डेट। मंथ प्लस डेट, ओके सेकंड अग्री। पिनेकल बनेगा डेट प्लस ईयर, थर्ड ओके वो भी हो गया। पिनेकल बनेगा फर्स्ट प्लस सेकंड पिनेकल को ऐड करने पे। ओके, तो अभी जैसे फर्स्ट पिनाकल मेरा आया है 7, एंड सेकंड वाला आया है 29, दैट इज 2। तो अभी थर्ड हो गया, 7+2 इज 9, जी ठीक है। अभी फोर्थ पिनाकल जो हो रहा है मंथ प्लस ईयर, तो हाँ इट जी कम्स टू अराउंड 24, दैट इज 6। जी तो वो हो गया। अभी इसका जो मेरे को जो आपने बताया, ये बॉडी से दैट अदर वन क्वेश्चन वाज लाइक कार्निवल नंबर, नो आई एम मिस्टेकन समवेयर। पिनाकल तो हो गया क्लियर। अभी पिनाकल के बाद जो आपने बताया था पहले करवाया था मैंने कार्मिक नंबर। कार्मिक नंबर, हाँ कार्मिक नंबर, वो कैसे फाइंड करते हैं? सर आपके कहीं पे भी जो मैंने कल कैलकुलेशंस करवाई थी, आज जो मैंने पिनेकल की कैलकुलेशंस करवाई हैं, कहीं पे भी आपके 13, 14, 16 या 19 आ जाए, दैट इज योर कार्मिक नंबर जी। 13, 14, 16 और 19। ठीक है अच्छा, जी वो अच्छा है कि नहीं है? सर, कार्मिक डेप्थ्स कब अच्छे होते हैं मुझे ये बता दो। अजी डेप्थ्स कब अच्छे हुए हैं, डेप्स रिम कभी कब अच्छे अच्छे नहीं हुए हैं, बस है। चलिए। अच्छा, ओके 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 मैम, थैंक्स अ लॉट, जी। एंड आई वुड लाइक टू ज्वाइन योर क्लासेस वंस अगेन फॉर द कंप्लीट क्लासेस। पर्सनल कंसल्टेशन भी हो सकता है उसमें? उसमें पर्सनल कंसल्टेशन नहीं होगा, नहीं कनेक्ट है। ओके, तो उसके लिए मेरे को आपकी टीम से कंसल्ट करना करना पड़ेगा, पड़ेगा कनेक्ट करना पड़ेगा। ओके फाइन मैम, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू, थैंक यू। जी। अभिजीत जी
हाँ जी राधे राधे मैम। राधे राधे जी, हाँ मैम, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 20 मार्च 1985। आप पूछना क्या चाह रहे हो? क्वेश्चन बोलो, कंसल्टेशन मैम नहीं। मेरा फर्स्ट पिनेकल निकला है इसमें 5, और ठीक है। सेकंड है 7, थर्ड है 3, फोर्थ है 8। सर फाइनेंस का बंदोबस्त रखिए क्योंकि वहां पे स्ट्रगल है आफ्टर रिटायरमेंट। आफ्टर रिटायरमेंट। ठीक है, तो मैम ये सारे जो चार पिनेकल है इनको ऐड भी करते हैं किसी मेथड में? ऐड नहीं होगा वो, आप जब हम क्लासेस में जाएंगे तो एक न्यूमरो इसको बनता है तो उसमें एग्जैक्टली आ जाता है कि इस एज में आपके साथ क्या होगा, इस साल क्या होगा। तो मैम जैसे अब मेरी करंट एज है 39, तो अब इसमें बताएंगे आपकी? अभी नहीं निकल सकता, अभी नहीं निकल सकता, न्यूमरो इसको बनाने में 1 वीक लग जाता है, टाइम लगता है न्यूमरो इसको बनाने में। ठीक ओके ठीक है, है, थैंक यू ओके, मैम। वेलकम जी। रितु जी, जिनके क्वेश्चन हो जाए प्लीज हैंड डाउन कर लो। बोलो रितु जी, बोलो। मैम राधे राधे। राधे राधे मैंने जी, आपका कोर्स ज्वाइन किया है आज वेलकम ही। जी। मैं बहुत साल तक फाइन आर्ट्स टीचर रही हूँ, लेकिन अचानक मुझे न्यूमरोलॉजी में कैसे इंटरेस्ट आ गया मुझे मालूम नहीं। वो आपके नंबर आएगा देखा, होगा 3, कहीं ना कहीं अभी अफेक्ट कर रहा होगा, 3 7 कुछ। हाँ शायद। और संदीप सर को भी मैंने बहुत फॉलो करती हूँ मैं, और अभी उनका ज्वाइन किया तो आपका भी मैंने आज ज्वाइन किया। मुझे बहुत इंटरेस्ट आ गया है, तो मैंने सीखने की पूरा पूछना, मुझे पूरा कोशिश करनी है। मैम मुझे ये बताइए, पिनाकिले नंबर जो आप निकाल रहे हैं, जो डिवाइडेड बाई आप करते हैं ना, 2 डिवाइडेड बाई 3, वो 2 3 जैसे कैसे करते हैं, जैसे किस नंबर से? वो 2 3 नहीं है, आपने ज्वाइन कर लिया ना, आपको मैं क्लासेस में अच्छे से समझा दूंगी, नो वरी। बाकी आप रिकॉर्डिंग देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, है ना अच्छा ठीक है मैम, ओके ओके, थैंक यू मैम। जी। हेमंत जी प्लीज डाउन कर लें, हैंड डाउन कर लें। हेमंत जी, हेमंत जी नहीं, हेमंत जी अनम्यूट नहीं कर रहे। चलो शिविका जी राधे राधे मैम। बोलिए। मैम मेरे को बस यही पूछना था कि 19 जो कार्मिक अच्छा नंबर नंबर है निकाल उसकी दो। कोई रेमेडी बता दीजिए प्लीज। 19 नंबर की मैंने बता दी है मैम प्लीज रिपीट कर सुनिएगा, दीजिए। प्लीज रिपीट नहीं क्योंकि बहुत सारे लोग बैठे हैं, मेरी वापस 9:15 क्लास है ना, आप ओके ओके रिकॉर्डिंग सुनिए, है ना। मैंने 19 के कार मैंने सारे मंत्रास लिखाए हैं, उनके रेमेडीज मैंने लिखाई है जी। सुमन जी, राधे राधे मैम जी। जी जी राधे राधे जी। मैम मैंने अभी जस्ट इनरोल किया है आपके कोर्स के लिए, तो कंफर्मेशन कैसे पता लगेगी, मुझे कब तक मिलेगी? आपको 9 तारीख को ऐड कर लिया जाएगा ग्रुप में, आपके पास ओके आ जाएगा, ऐड ग्रुप होते ही, है ना। जैसे मैम मैंने 2 दिन 3 दिन में से केवल कल का पूरा ही नहीं मैम का दिक्कत टाइम नहीं, सब कुछ डिटेल में वापस रिपीट होगा तो कोर्स। वापस रिपीट होगा ना मैम? जस्ट मैम नहीं जा रहा था, क्योंकि मेरे को कुछ कुछ आज समझ नहीं आ रहा था, बिकॉज कल मैं नहीं ले पाई थी। कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू सो नहीं। थैंक ओके यू। राहुल जी, हेलो मैडम। हाँ जी जी राधे राधे बोलिए। राधे राधे। मैडम मेरा फर्स्ट पिनेकल नंबर आ रहा है 9, दूसरा आ रहा है 9, तीसरा आ रहा है 6, ऊपर का आ रहा है 9, फिर आ रहा है 6, फिर आ रहा है 6। गलत निकाले हैं आपने, इतने सारे पिनेकल नहीं आते, नहीं नहीं दोबारा रिकॉर्डिंग देख के निकालिएगा सर, है ना। 27/9/1986 है मैडम। हाँ तो कोई बात नहीं ना सर, 9 आ सकते हैं पर आपके 6 7 कैसे निकल सकते हैं, 4 ही निकलेंगे ना। नहीं, ऊपर का जाना पड़ेगा ना, ऊपर वो ऐड करके 9/9/18 हो गया ना, और इधर का 24 आ रहा है तो पूछना चाह नाइन। रही हूँ सर, सीधा क्वेश्चन बोलो, क्वेश्चन बोलो, मुझे अभी एक्सप्लेन मत करो क्योंकि सारे मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं। इस नंबर से हम ये पता सकते, फाइनेंशियल कंडीशन पता सकते हैं मैडम? नहीं, वो चैलेंजेस वो आगे बताएंगे कि कैसे फाइनेंशियल कंडीशन पता चलती है, ये पता चलता है कि इसमें अभी आपके 9 की वैल्यू आपके ऊपर डोमिनेट कर रही है, रूल कर रहा है 9 नंबर। ठीक है जी ओके ओके, थोड़ा सा मनी का प्रॉब्लम है, क्या कर सकते हैं मैडम? सर, अभी अभी मैं क्लास आपका ज्वाइन कर दिया है। सर वो मैं क्लासेस में बता दूंगी, है ना, अभी क्योंकि ओके ओके अभी मैंने बार बार मैं एक ही चीज बोल रही हूँ कि मेरे लिए यहाँ पे बैठा हुआ हर पर्सन सेम है। ओके ओके ठीक है ठीक है ओके ठीक पर्सनल कंसल्टेशन परसों रखेंगे ना, कोई इशू नहीं है है ठीक है ठीक है। जी। पवन कुमार जी, पवन कुमार जी, चलिए दो बार मैं 2 बार ही आवाज लगाऊंगी। नेहा जी,
नमस्ते मैम. राधे राधे जी बोलिए. राधे राधे मैम. आई जस्ट वांट टू आस्क वन क्वेश्चन मैम, लाइक रिगार्डिंग द कार्मिक नंबर, इफ है ना आवर डेट ऑफ बर्थ दैट इज माय डेट ऑफ बर्थ इज 14, दैट मींस डू आई हैव टू डू रेमेडी द होल लाइफ फॉर 14 कार्मिक नंबर? यस यस, अकॉर्डिंग टू योर कार्मिक नंबर यू परफॉर्म योर रेमेडी. एंड देयर इज नो एनी कार्मिक नंबर इन माय पिनाकल बिकॉज़ पिनाकल 1 इज 1. नो इशू, नो इशू. If you have one time karmic number in your talent number, in your date of birth, in your pinnacle number, you can perform your remedies whole life. Whole life. Okay. Radhe Radhe ma'am. Thank you. Wait kariye please, beech mein na bole. Okay ji. Thank you. Ji Harjinder Kaur ji. Harjinder Kaur ji. Harjinder Kaur ji, unmute nahi ho raha hai. Ji Kaushik ji. राधे राधे जी. मैडम मैंने एक पिनेकल बनाया है, उसमें फर्स्ट पिनेकल 3 नंबर, सेकंड अगेन 3, थर्ड 6 एंड फोर्थ आल्सो 6. सर क्वेश्चन क्या पूछना है मेरे को एक्सप्लेन मत, मैंने अभी मना किया. ओके बस मैं यही पूछना चाह रहा था कि मतलब ये ऐसे कैसे हुआ, 3 3 6 6 आ सकता है, कोई इशू नहीं है ना. ओके. और कैसे हुआ वो अपन क्लास में, आप आ चुके हैं तो क्लास में देखेंगे ना, कोई इशू नहीं. जी दत्ता सर, दत्ता सर, राजेंद्र दत्ता सर. हाँ सर. मैडम बोलिए बोलिए. हाँ, मेरा हाँ, मेरा डेट ऑफ बर्थ तो थोड़ा मिस्टेक है ऑफिशियली है, तो एक कोर्स करके मैं वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है क्या? डेट ऑफ बर्थ का कैसे प्रॉब्लम सॉल्व होगा? डेट ऑफ बर्थ तो आपको पता है ना कि आपकी कौन सी डेट ऑफ बर्थ है. मैं थोड़ा मिस्टेक है सर्टिफिकेट में. आप अपने नाम से आपकी प्रेडिक्शन करना मैं सिखा दूंगी. हाँ राजेंद्र दत्त है मेरा नाम. हाँ जी राजेंद्र दत्त के नाम से प्रेडिक्शन करना सिखा दूंगी. ठीक है सर. अच्छा वो हो सकता है. मैं सुनील सर का कोर्स किया था, ठीक है, अप्रैल में. ओके जी गुड. हाँ हाँ अच्छा. ये कोर्स का फीस काल भी एक रहेगा? हाँ कल तक आप 1770 रुपए जमा करा सकते हैं. अच्छा 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 ओके जी. थैंक यू जी. जयश्री जी थोड़ा फास्ट फास्ट बोलेंगे और प्लीज अपना क्वेश्चन बोले डायरेक्टली. क्वेश्चन ये है जयश्री जी. हेलो मैम. बोलिए राधे राधे. राधे राधे मैम. मैम मुझे ना पिनेकल फर्स्ट और सेकंड में थोड़ा कंफ्यूजन, बिकॉज पिनेकल थ्री रिकॉर्डिंग देखिएगा. मैंने 3 से 4 एग्जांपल लिए, उसके बाद मैंने बहुत बार समझा दिया है कि आपकी बर्थ डेट का मंथ प्लस डेट आपका फर्स्ट पिनेकल है, आपका बर्थडे डेट और आपका ईयर सेकंड पिनेकल है. फर्स्ट पिनेकल और सेकंड पिनेकल जब एड हो जाता है तो आपका थर्ड पिनेकल बन जाता है. ठीक है जी. ओके ओके जी. अजय जी. मैम जो आप कार्मिक नंबर की आपने रेमेडीज दी हैं तो क्या प्रेफर करना चाहिए, मतलब न्यूमरोलॉजी के करने चाहिए अपने ये उपाय या फिर हम एस्ट्रोलॉजी के उपाय प्रेफर करें? सर मंत्र एस्ट्रोलॉजी में भी यही है, मंत्र आपके न्यूमरोलॉजी में भी यही है बेसिक. आप लोग दान भी सजेस्ट करते हैं न्यूमरोलॉजी में? नहीं सिर्फ मंत्र करना है जी. और एक नंबर जैसे अगर 2-3 जगह आए तो 3 माला 4 माला जो भी बनती है वो करनी चाहिए थ्रू आउट लाइफ. ओके जी. थैंक यू जी. आप पेमेंट आप फोन पे, QR कोड, जी पे, गूगल पे कुछ भी कर सकते हैं, है ना. जयश्री जी का हो गया था. संगीता जी बोलिए. संगीता जी. जी मैम नमस्ते जी. ये जो आपने बताया पिनाकल नंबर में ये जो 9 का क्या काम है, ये जो आपने 9 बोला ना प्लस करने के लिए? कोई काम नहीं है, 9 का कोई काम नहीं है. मैंने 9 नंबर के भी लिखाए थे, है ना. अगर आप पूछ रहे हो 9 का क्या काम है तो मैडम इन डिटेल हम कोर्स में सीखेंगे, है ना. मैंने यहाँ पे जितना मैं बता सकती थी मैंने उतना बताया है. अच्छा 9 प्लस करने के लिए बोला ना आपने? मैडम मैंने उस 9 का मतलब भी बताया है, क्योंकि 9 नंबर हमारी पूरी एक साइकिल होती है न्यूमरोलॉजी में, इसलिए वो ऐड हो रहा है. अच्छा ठीक है. अगर आपको इतना भी याद नहीं रखना है, आप सिर्फ ये रखो कि ये फॉर्मूला है अपने 10th में cos थीटा के, है ना, हाँ, 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 हाँ.
वो सारे फॉर्मूला याद किए थे ना, इस फॉर्मूला को भी याद कर लो। ओके मैम, ओके थैंक यू। वेलकम जी। तेजस्वनी जी बोलिए। मैम फोर्थ पिनेकल में अगर वन आ रहा है तो इसका क्या मतलब होगा? जिंदगी रिटायर नहीं होगे, काम करते रहोगे। हाँ भर? अमिताभ बच्चन रिटायर है क्या? बस नहीं, ठीक है मैम, थैंक यू मैम। वेलकम जी। जी पवन जी बोलिए। पवन सर जल्दी म्यूट अनम्यूट करें। नहीं हो रहा आपका जी, क्योंकि मेरे आगे क्लास है भाई, 9 10 हो गए हैं जी। विद्या देवी जी बोलिए। मैम मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे अगर मंथ मेरा 11 आ रहा मैम है अब तो हो गया उसको मैम मैं सिंगल पे काउंट करेंगी? मैडम, 11 आ रहा है तो न्यूमरोलॉजी का थंब रूल है कि आपको हर नंबर सिंगल डिजिट में लाना है, ठीक है? मैम हाँ, थोड़ा इसी में मेरे को कंफ्यूजन था। थैंक यू ओके मैम, जी, थैंक यू। ओके जी, ओके जी, बोलो मैम मेरा हो गया बोलो। अन पवन कुमार जी बोलो। मैम मेरे मेरे पहला पहला और तीसरा मैम और उसके बाद चौथा जो है दो दो है मैम, पहला तीसरा चौथा कोई दिक्कत नहीं जी, और तीसरा जो है चार है। अभी तो बहुत सारे मैं चीजें सिखाऊंगी आगे, है ना, तो अच्छा आपको पता चल जाएगा। ठीक है ठीक, राधे राधे, प्रणाम जी। राधे राधे जी, क्योंकि बहुत सारी चीजें आएगी, आप देखोगे कि एक नंबर आपके पीछे नहा धोके पड़ गया है, हाँ जी हाँ जी, वो क्यों पड़ा है वो भी निकालेंगे हम बाद में। जी ठीक ज्योति जी बोलिए। जी। मैम मैंने बच्चे का निकाला मेरी, तो जैसे उसमें मंथ क्वेश्चन और डे को कंबाइन की, यस मंथ और डे को कंबाइन किया मैम, तो हाँ, 4 हो रहा 13, आ 13 का 4 हो गया है फर्स्ट 13 का फोर हो में। गया ना, तो वो फर्स्ट पिनेकल केस तो निकल गई बच्चे की। अब सेकंड पिनेकल में क्या आ रहा है वो देखो। सेकेंड बिलेकन में 9 आ रहा है मैम, क्योंकि 2002 आ रही डेट ऑफ बर्थ उसकी। हाँ, तो इसको यस बोलो कि थोड़ा गुस्सा कम करे और हनुमान जी की पूजा पाठ करे, प्रोफेशनल मैम, अच्छा हो जाएगा, ठीक है हाँ जी? मैम उस ऐसे शनि महाराज की भी पूजा करते हैं वो। शनि महाराज की पूजा करने से ज्यादा फायदा हुआ बजाय हनुमान जी की पूजा। मैं पिछले 5 साल किया हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ा। शनि ऐसा कुछ महाराज की मैं नहीं है, पूजा मैं लास्ट 9 महीने से ऐसा कुछ कर नहीं है कि हनुमान जी की पूजा से फायदा नहीं होता, रहा हूँ। ऐसे है ना? हनुमान जी की पूजा करो। मैंने बहुत सारी साधनाएं की, मुझे उसका फायदा 13 साल बाद मिला। अच्छा तो हनुमान जी की पूजा शनिदेव करो की भी करो, हनुमान जी की भी करो। उससे। प्रॉब्लम क्या होती है कि आपके लाइफ में, एक बात बताओ मुझे, आपको आपके घर में या किसी जगह पहाड़ बनाना है, मिट्टी का ही बनाना है। अब जहां पहाड़ बनाना है, पहले वहां खड्डा है तो सीधा पहाड़ बन जाएगा क्या? पहले खड्डा फील करोगे ना, फिर पहाड़ बनेंगे। यस यस है ना? तो आपने वो ओके 5 साल हनुमान जी की पूजा की है ना, वो खड्डा फील हुआ है पहले, तब हाँ तब वो आगे बढ़ेगी। यस वो मैम, आगे बढ़ा है, ठीक है? यस यस और करेंगे। ये वाला पूछना है, नहीं ये वो बाद में अट्ठाईस पूछते हैं, बाद में पूछते हैं, अभी मेरी क्लास राधे है आगे। जी धर्मेंद्र जी बोलो, दो जनों का लास्ट क्वेश्चन है, बोलो। राधे मैम। मैम जो लास्ट पिनेकल है फोर्थ, उसमें 2 नंबर है, उसका मीनिंग क्या रहता है मैम? पैसे संभाल के रखिएगा, इमोशनल हो गए, पैसे बांटने वाले हो, मतलब पैसे आने वाले मैम बांटने वाले हो, आएगा तभी तो बांटेंगे। पड़ा हो वही बांट दोगे। अच्छा बांटने का मन हो तो हमें भी बता देना, ठीक है जी? ओके जी, ठीक है मिलते मैम। हैं जी। अभिजीत जैन सर बोलो। मैम मेरे को बस ये कंफ्यूजन है, जो फोर्थ पिनेकल है वो मंथ प्लस ईयर से आता है ना, हाँ, मंथ प्लस ईयर से। तो मेरा वो 8 आ रहा है। हाँ तो कोई बात नहीं, स्ट्रगलिंग पीरियड है, पैसा वो आपने पहले भी बोला था, मैंने बोल दिया कि पैसा संभाल के रखो और अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, ठीक है अच्छा जी? अब इजाजत दे, ये सेशन आज यहीं खत्म करते हैं, कल नए सेशन नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। सबको अनम्यूट कर देती हूँ, राधे राधे करते हैं और चलते हैं जी। राधे जी सब राधे मैम, अच्छा, थैंक यू मैम। राधे राधे मैम, हरे राधे कृष्णा, राधे राधे, राधे 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 मैम, थैंक यू, थैंक यू सो मच। जिनको मैंने पढ़ाया वो समझ आया, जिन्होंने पिनाकल को मिरेकल मैडम का बोले तो बहुत अच्छी बात पिनाकल है। कम राधे राधे, मिरेकल, यस दैट्स अ यस गुड लाइन, पिनाकल कम्स मिरेकल। थैंक मैडम, आज के लिए बहुत धन्यवाद आपका। यू जी, इतना इतना थैंक इतना यू सो मच। पेशेंस, इतना पेशेंस मतलब मेरे अंदर नहीं है। थैंक तो यू। में पेशेंस होना जरूरी है। थैंक
सीखना पड़ेगा इसको, नहीं पेशेंस सीखना पड़ेगा, इतना पेशेंस। थैंक यू जी, थैंक यू जी, मिलते हैं कल, है ना।